morning. Good morning. गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स. कल आप लोगों का स्पेशल डिमांड था कि कुछ क्वेश्चंस पर परिचर्चा. मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस पर परिचर्चा के लिए जो थोड़ी निपुणता की जरूरत है वो तो अभी आपको नहीं आई है, क्योंकि आपको मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन दिखाता हूं. जो मेरा स्लोगन है, टू बी अ थिंकिंग क्रिएचर, जब तक आप इंटरलिंक और थिंकिंग नहीं करोगे तो क्वेश्चंस में अपने नॉलेज का उपयोग नहीं करोगे. आपको वहां ध्यान आएगा कि जो समझी हुई चीज है, जो वेल अंडरस्टूड चीज है, जिसको आपने डाइजेस्ट किया है, जो आपका थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन गया है, वही कुछ टाइम में निकलता है. और टॉपिक एक ही हो लेकिन उससे डायमेंशन 50 खुल सकते हैं. मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूं. दोनों पेपर के क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि दैट विल बी टू मच टाइम टेकिंग. हम आपको झलक दिखाते हैं जो क्वेश्चन चैलेंजिंग है उसे हम डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस की तरफ हिंट करके आपको छोड़ देंगे. बल्कि मुझे लगता है कि जो जिसको थोड़ी सी हिस्टोग्राफी की समझ है, जो थोड़ा सा चीज़ों को समझ सकता है, वो बातों को समझ लेगा. सबसे पहली बात आ गई मैप की. तो नेचर ऑफ मैप में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि टोटल 20 प्लेसेस वो देते हैं. यूपीएससी की कभी कोशिश नहीं होती कि स्टूडेंट 20 का 20 सॉल्व कर दे. उसकी महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं होती है, उम्मीद भी नहीं करता है, और 20 का 20 कोई कर भी नहीं सकता. 17, 18 हो जाए तो बहुत बढ़िया, 15 तक हो जाए तो खुश होने की बात है. फिर भी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखते हो उससे ज्यादा मार्क्स, 15 भी अगर मैप का सही हो जाए, करेक्ट हो जाए, तो आपको उसमें क्वेश्चन में मार्क्स आ जाते हैं. तो आप मान कर चलिए चार पांच प्लेसेस तो ऐसा देंगे जहां बहुत डिफिकल्टी होगी, उसमें करेक्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है. बाकी जो प्लेसेस है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि थोड़ा सा क्लू दे दिया है टॉपिक में, पहले नहीं देते थे. जैसे 2020 में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ उन्होंने दिया एट माउंड ऑफ क्वाइंस, सिक्कों की ढेर. अब सिक्कों की ढेर, किसकी सिक्कों की ढेर, तो अनुमान से पकड़ना पड़ा कि वो जो सिक्के हैं वो बेसिकली योधे के हैं, जो नॉर्थ वेस्ट में जो योधे डायनेस्टी उसके सिक्के. इस बार उन्होंने अच्छा किया कि गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर कर दिया, तो सीधे ध्यान बयाना पर चला गया. और बयाना प्लॉटिंग बाद में बहुत सारा क्वेश्चन मेमोरी से होता है, उसकी प्लॉटिंग आप नहीं जानते रहोगे लेकिन मेमोरी में रहेगा. नहीं, अब डॉक यार्ड है तो कौन नहीं समझेगा, गुजरात में कोई डॉक यार्ड दिया हुआ लोथल होगा, उसको तो माथा पच्ची करने की आवश्यकता ही नहीं है. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको इसमें काफी सुविधा हो जाती है. जैसे देखिए, ये आपका हुआ मैप का पेपर. तो ये देखो, नवपाषाण कालिक स्थल जो नियोलिथिक साइट है, इसको हमने इसलिए दिया कि इसको हमने काफी असेस किया. तो देखो, जो गियाक और कियारी है वो ईस्ट की तरफ बहुत भागा हुआ है. बुर्जहोम का भी एग्जैक्ट ये लोकेशन नहीं, लेकिन कंसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ यूपीएससी जो पिछले साल भी उसने किया था, कि जैसे मांदा को उठाकर रख दिया था पीओके में, उसी प्रिंसिपल के तहत, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं. यहां सिंधु नदी, ये सिंधु नदी के पास, यहां से सिंधु नदी बहती है, उसके पास है एक स्थल पर जांच चल रही है जो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो न्योलिथिक है या नहीं. तो अभी उसको न्योलिथिक की श्रेणी में हम रख भी नहीं सकते एग्जैक्टली, अगर आप कहिए तो. उस लिहाजन बुर्जहोम को ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा इसमें नहीं है. अब देखो, माँ और शिशु की मीन मूर्ति का स्थल, साइट ऑफ मदर एंड चाइल्ड टेराकोटा फिगर, उसमें आप ध्यान मैप में ये रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि जहां कुछ विशेष बात हुई हो उसकी सूचना आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर देंगे. अब देखो, ये जो जगह है ये है अहिछत्र, फोटो के साथ मिला है अनडाउटली, अहिछत्र जगह है. और आप अहिछत्र का लोकेशन देखोगे तो देखो ये है, यहां पर दूसरा कोई प्लेस नहीं जहां माता और शिशु का कोई चित्र मिला है. तीसरा है गुप्त मुद्रा निधि, होड ऑफ गुप्ता क्वाइन. होड ऑफ गुप्ता क्वाइन में आप देखते हो वो जो है वो बयाना है, और ये बयाना है राजस्थान में, देख रहे हो इस लोकेशन के ऊपर दिया हुआ. अगर वो मैप नहीं भी देते तो बिना मैप दिए हुए ही गुप्तों का सिक्कों का ढेर में बयाना इतना इंपॉर्टेंट है कि अनुमान से भी लोग उसको बयाना दे देते हैं बिना इस प्लेस को देखे हुए. फिर देखो, वानस्पतिक अवशेष स्थल, साइट ऑफ बॉटेनिकल रिमेन्स, ये जो जगह आप देख रहे हो ना,
अब ये जगह थोड़ा और नॉर्थ होना चाहिए, लेकिन यूपीएससी, इसलिए मैं तुमको कहता हूं कि परप्लेक्स्ड मत हुआ कर, थोड़ा थोड़ा प्लेस के लिए चिंता मत, यूपीएससी खुद भी प्लेस के बारे में चिंतित नहीं है, बताता तो है नहीं कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों का मैप देखा है उसकी कोशिश है भी नहीं कि एग्जैक्ट बच्चा लोकेशन ही जाने, अगर एरिया के बारे में बच्चा जानता हो, प्लेस के बारे में जानता हो, परिचय करा सकता हो, उस पर 30-35 वर्ड्स लिख, 25-30 वर्ड्स लिख सकता हो, हम सेटिस्फाई हो जाए। अब ये जो जगह तुम देख रहे हो, ये लाहुरा देव जो आपका संत कबीर नगर में यूपी और नेपाल के बॉर्डर पर है, कायदे के हिसाब से इसको थोड़ा और भी नॉर्थ होना चाहिए था, और वानस्पति क्या कि वहां से चावल का साक्ष मिला है, तो इस लिहाजन भी। उसके बाद आपका आता है मिट्टी की ईंटों से बने प्लेटफॉर्म वाला हरप्पा स्थल, हरप्पन साइट विथ मड ब्रिक। अब देखो यहां पर उसने हिंट कर दिया, अब ये हिंट काफी है, यहां पर सीधा गिलुंद निकल जाएगा ये जगह। अब कोई मिट्टी के ईंटों में कालीबंगा लिख दे तो कालीबंगा का लोकेशन तो ये, और ये आहर संस्कृति, आहर या गिलुंद, अभी तुम लोग समझोगे आहर और गिलुंद है, यही लोकेशन है आहर कल्चर का, जो कैलकुलिथिक कल्चर है, और आहर जो है उसी का नाम है गिलुंद, मतलब उसी का एक स्थल है गिलुंद टाइप मॉडल टाइप साइट है, और मिट्टी की ईंटों से बने प्लेटफॉर्म हो गया। इसके बाद आपका मौर्य तड़ागा स्थल, मौर्यन रिजर्वॉयर साइट, बस सुदर्शन झील, तड़ागा स्थल इंडिया में और है कहां, मौर्यन रिजर्वॉयर साइट है, जैसे पुष्यगुप्त ने बनाया अशोक के समय उसका एक नहर निकाला गया था, तो आप वहां पर से सिक्स वाले में देख लोगे तो सिक्स वाले में आपको दिख जाएगा जूनागढ़। उसके बाद अब देखो कैपिटल ऑफ मैत्रका डायनेस्टी, बिना देखे हुए बल्लभी कर दो, अब कैपिटल दे दिया, इतना हिंट तो पहले कभी नहीं देता था, लोग पता नहीं क्यों कहते कि मैप टफ लगा, तुमको तो 10 प्लेसेस को एकदम रसगुल्ले माफिक दे दिया कि ले लो बिना देखे हुए, केवल उसको लिख दो, है ना, वो तो रसगुल्ले माफिक दे दिया, बाकी पांच इधर खींच लोगे, 15 मैप अगर तुम्हारा प्लेसेस हो गया तो क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर तुमको क्लू मिल गया बल्लभी, उसका नीचे देखो डॉक यार्ड, दूसरा डॉक यार्ड है कहां, और वहां लोथल दे ही रहा है, लोकेशन भी वही है, तो हो गया। ये देखो शैलाश्रय है, रॉक शेल्टर भीमबेटका, ये इसलिए कहोगे कि अब फिर तुम ऐसे एक डिस्प्यूट उठाओगे कि सर भीमबेटका है लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि भीमबेटका के ठीक दक्षिण में हथनौरा है, है ना, भीमबेटका हथनौरा सर वहां शैलाश्रय नहीं है ना, इस समय गुफा हो गया है ना, यू फाइंड हियर द रॉक शेल्टर, तो रॉक शेल्टर में पेंटिंग हथनौरा में नहीं बनी है ना, तो सेंस से पकड़ना पड़ता है ना, तुम लोग प्लेसेस को देख के बड़े चिंतित हो जाते हो, वो क्लू दे देगा, अब सराय नहराय महादहा से सटा हुआ वो कहेगा कि एक व्यापक कब्रिस्तान, तो व्यापक कब्रिस्तान तो महादहा में है, उसे पकड़ना होगा, बस तुमको अंडरस्टैंडिंग मैप की डेवलप करनी है और कुछ नहीं। सो आर यू कंफर्टेबल, सुराग मिल रही है, एंड देन पत्थर की कुल्हाड़ी का कारखाना स्टोन एक्स फैक्ट्री। अब देखो इसका इसमें हमने कई जगहों पर इस पर हमको काफी माथापच्ची करनी पड़ी, जो टेंथ वाला जो तुम देख रहे हो ना, पहले मैंने सोचा था कि ये कहीं हो सकता है नासिक, लेकिन नासिक और उत्तर पश्चिम में है, मतलब वो लोकेशन है नहीं, ये लोकेशन है नेवासा का, और नेवासा में ब्लेड कल्चर मिला है, यानी मध्य पाषाण संस्कृति जहां मिली तो ब्लेड कल्चर मिला है, इसको लिखना चाहिए था हैंड एक्स, सिर्फ लिख रहा है एक्स, तो थोड़ा सा लिखने में ये लोग थोड़ा लाइसेंसस है, लेकिन नेवासा ही इसका सही चॉइस बनता है। तो इसके बाद आपका आता है सातवाहन अभिलेख स्थल, सातवाहना इंस्क्रिप्शन साइट आंख मुंद के महाराष्ट्र में है, नासिक अभिलेख नाने घाट तो गौतमी बलश्री का है, गौतमीपुत्र सत्कर्णी की माता के नाम पर है गौतमी बलश्री, आंख मुंद का सीधा बिना ये देखे हुए देखो इतना क्लू है। अशोक का लघु शिलालेख माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन, ये थोड़ा लफड़ा वाला है क्योंकि एक ही जगह पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एरर गुड्डी और राजुल मंडगिरी ये दोनों देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इतना क्लोज है
कि दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल है। लेकिन जब तुम अशोकन इंस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो उसमें उसका आता है लघु शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट। तो माइनर रॉक एडिक्ट साउथ इंडिया में आपको बहुत सारे मिलते हैं और आसपास मिलते हैं। फिर है बुद्धिस्ट अस्तूपा, वहीं से मिला है अमरावती, वो आपको आंध्र प्रदेश में है। तो अस्तूपा में अमरावती और नागार्जुन कुंडा है ना, तो अमरावती का लोकेशन ही है, वो इतना फेमस है अस्तूपा उसका कि बुद्धिस्ट अस्तूपा। और जहां आंध्र प्रदेश देखेंगे तो अंगुली सीधा अमरावती पर जाएगी। लोहा गलाने का कार्यशाला, आयरन स्मेल्टिंग वर्कशॉप, यह है नैकुंड, ये मेगालिथिक साइट है, महापाषाण कालीन स्थल नैकुंड। अच्छा नीचे ले आए, हाँ मध्य पाषाण कालीन स्थल, यह है मेजोलिथिक साइट रेणुगुंटा है, रेणुगुंटा कौन सा, दूसरा कोई उपाय नहीं, कौन दूसरा, अच्छा है तो फिर उपाय, यही समस्या तो बुरझोम में आई है, यूपीएससी थोड़ा लाइसेंसस है, दिखता है कि साइट हिला हुआ है, इसे तुमने थोड़ा साइट हिले हुए में चिंता करो, सर थोड़ा सा बिम्बिट गया ऐसे तो मुझे हंसी आती है कि यूपीएससी इतना हिलाया हुआ होगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे उसको। याद रखो 60% मेमोरी से, 40% प्लॉटिंग से पकड़ना होगा। महापाषाण युगीन स्थल, यह है धर्मपुरी, ये तुम लोगों के लिए एक नया स्थल है, वो महापाषाण में जाओगे तुम, आपको बताएंगे 16th नंबर। और 17th नंबर सूर्य को समर्पित मंदिर स्थल, टेंपल साइट डेडिकेटेड टू सूर्या यानी सन गॉड। अब ये देखो, ये तो आंख मुंद के दे दिया लोकेशन ग्वालियर है, इंडिया में सन टेंपल चुना हुआ 5-6 है। अब अगर उस साइड देता तो कोणार्क हो जाता, तो इतना क्लू दे रहा है फिर क्या प्रॉब्लम है, देखने से आपको साइट लग जाएगा। फिर आप रोमन कारखाना स्थल, रोमन फैक्ट्री साइट, रोमन फैक्ट्री साइट अरिकमेडु फेमस है, जब तुम संगम पीरियड पर होगे तो फेमस है, वहां पर देख लो लोकेशन भी अरिकमेडु का है। ये थोड़ा सा आपको मूवर कोइल स्थल, साइट ऑफ मूवर कोली टेम्पल ऑफ थ्री, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यह है पुडुकोट्टई, पुडुकोट्टई है वहां पर देख रहे हो, कांचीपुरम के पास है तमिलनाडु। और ये देख रहे हो महापाषाण, वो पलवा क्षेत्र है, पुडुकोट्टई पलवा आर्किटेक्चर पर, पुडुकोट्टई उसका एक सेंटर है। महापाषाण लौह स्थल, मेगालिथिक स्टोन साइट, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी न्योलिथिक, ब्रह्मगिरी न्योलिथिक भी है, ब्रह्मगिरी कैल्कोलिथिक भी है, न्योलिथिक कैल्कोलिथिक, और ब्रह्मगिरी मेगालिथिक भी है। लेकिन अभी तो आप लोग मेगालिथिक पर पहुंचे नहीं हो, फॉर यू इट इज नॉट गोइंग टू बी मच इंस्पायरिंग, लेकिन जब तुम पूरे सिलेबस कर लोगे तो मैं आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हमारा एम्बिशन 20 प्लेसेस का है ही नहीं, 15 प्लेसेस का है, और 15 प्लेसेस नहीं करोगे, 5 गलत करने की छूट दे दी मैंने तुम। नव पाषाण युग में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण यह युग एक क्रांति का प्रतित्व करता है, परीक्षण कीजिए। न्योलिथिक एज रिप्रेजेंट्स अ रेवोल्यूशन ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्जामिन। गॉर्डन चाइल्ड के स्टेटमेंट से शुरू करो, स्टेटमेंट में गॉर्डन चाइल्ड ने इसको न्योलिथिक रेवोल्यूशन क्यों कहा है, इट वॉज सो फास्ट सो फंडामेंटल, और इसने कहा कि मानव पशु एवं वनस्पति के बीच परस्पर संबंध बदल गए, चेंजिंग रिलेशनशिप एमोंग मैन नेचर एंड एनिमल्स। तो उससे जो आगे प्रगति या परिवर्तन हुए उसको क्रांतिकारी मानता है। अब जो क्रांति शब्द है वो पुराना पड़ गया है, अब रिवॉल्यूशन टर्म को एक्सेप्ट हिस्टोरियंस नहीं करते हैं, वो मानते हैं कि भाई उसके लिए 3 या 4 मैंने फैक्टर्स बताए। पहला फैक्टर तो यही है कि इतने लगभग 3700 वर्षों में ये सारे चेंज हुए, 3000 to 3700 Years. तो जो परिवर्तन 3000 से 3700 वर्षों तक हुए वो द्रुत कहां है, नंबर वन। नंबर टू कि सारे क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन एक साथ आरंभ नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में फूड प्रोडक्शन अलग अलग आरंभ हुआ। तीसरा यह है कि जब फूड प्रोडक्शन आरंभ भी हुआ तो जब खाद्य उत्पादन शुरू हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि पशु शिकार और खाद्य संग्रह बंद हो गया, पूरक के रूप में वो अभी कायम है। तुम्हारे पास 3-4 अच्छे पॉइंट्स हैं,
बहुत अच्छे से लिख सकते हो। अब द सिंधु सरस्वती सांस्कृतिक क्षेत्र में एक रूपता और विविधता दोनों ही प्रदर्शित होती है, विवेचना कीजिए। द इंडस सरस्वती कल्चरल जोन एग्जिबिटेड बोथ होमोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी डिस्कस। यही है यूपीएससी कि तुम अगर जैसे शतरंज के बिसात पर बैठते हो और तुम्हारे सामने पूरा चेस बोर्ड है। यूपीएससी की विशेषता यह है कि जिस कॉर्नर से तुम्हारा ध्यान हटा उसी पर चाल चलेगा और शाह और मात। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मोटिवेटिंग यू टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, कि थिंक करके एग्जामिनेशन हॉल में सोचो और तुरंत पॉइंट निकालो। अब देखो यह विचार है मॉर्टिमर व्हीलर का। मॉर्टिमर व्हीलर एक फॉरेन स्कॉलर है, एक ब्रिटिश स्कॉलर है, जिसने हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में तीन विचार दिए और तीनों विचार लगभग खंडित हो चुके। एक कहा था सिविलाइजेशन वॉज द प्रोडक्ट ऑफ सडन ऑरिजिन एंड द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन वॉज इम्पोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम मेसोपोटामिया। इस सभ्यता का अचानक उद्भव हुआ, ये मेसोपोटामिया से आयात हुआ। दूसरा उसने कहा कि द डिफरेंट अर्बन साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन आर हैविंग द रेयरेस्ट ऑफ द रियर यूनिफॉर्मिटी। जो विभिन्न हरप्पाई स्थल हैं उनकी बनावट में एक प्रकार की एकरूपता है। और तीसरा उसने कहा कि हरप्पन सिविलाइजेशन मिट सडेन एंड, इसका अकस्मात पतन हुआ, आर्यों के आक्रमण की थियरी उसने दी। तीनों अवधारणा खंडित हो गई। अब यह माना जाता है कि प्रयास उनका यूनिफॉर्मिटी का था। आप अगर हरप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा तीनों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ उनका प्रयास, उनका जो अटेम्प्ट था वो यूनिफॉर्मिटी का था, लेकिन डाइवर्सिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट थी। जैसे आप लोथल का केस देख लो, डिवीजन नहीं है लोअर टाउन और सीटाडल एरिया में जो दुर्ग क्षेत्र है और निचला शहर है। आप सुरकोतरा का देख लो और धौलावीरा का देख लो, धौलावीरा तीन पार्ट में बटा हुआ है, सुरकोतरा का विभाजन नहीं है। कालीबंगा में मिट्टी के ईंटों का प्रयोग हुआ है और सुरकोतरा और धौलावीरा में स्टोन का प्रयोग हुआ है, वृक्ष के बजाय पत्थर ईंटों के बजाय, तो फिर यूनिफॉर्मिटी कैसे? क्या हाँ ठीक है, अब यू कैन फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल, नो प्रॉब्लम। तो यूनिफॉर्मिटी है और उसके साथ डाइवर्सिटी भी है। जैसे ये चैप्टर जो मेरे क्लास में कर लेगा वो ऐसे ही वहां जाकर लिख डालेगा, बस अपनी मेमोरी से ही लिख डालेगा। भारतीय इतिहास में आर्यों की समस्या को निर्धारित करने में भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन, पुरातात्विक और बृहद वैदिक साहित्य कहां तक सहायक है विवेचना कीजिए। हाउ डू द कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड वास्ट कॉर्पस ऑफ वैदिक लिटरेचर हेल्प टू डिटरमिन द आर्यन प्रॉब्लम इन इंडियन हिस्ट्री डिस्कस। अब देखो, जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लगा कि डायरेक्ट रोमिला थापर के बुक के और चैप्टर को ही निकाल कर रख दिया। रोमिला थापर ने इन तीनों चीजों पर डिस्कस किया है और आर्यन के थियरी के विषय में भी दो डिबेट है। एक डिबेट यह है क्या वो बाहर से आए या देश के इंडिजिनस थे, नंबर वन। नंबर टू, क्या आर्य आक्रमण हुआ, डिड दे इन्वेड एंड डिड दे कन्फ्रंट द हरप्पन पीपल। इन दोनों थियरी में आज माना जाता है कि आर्य आए तो बाहर से, क्योंकि अब तक के हमारे पास जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है तो उसमें आप एक लैंग्वेजेज है। अब इसमें मुझे टाइम तो ज्यादा आपको नहीं देना है, नहीं तो मैं कैसे समझा देता आपको। लैंग्वेजेज का मतलब हुआ कि आप गौर से देखिए उनकी जो भाषा है, तो संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा में 300 लॉइन वर्ड्स मिले हैं। 300 के करीब लॉइन वर्ड्स का मतलब है कि उसमें मुंडारी और द्रविड़ शब्द मिले हैं, समझ रहे हो, तो मिक्स हो चुके हैं। जैसे होता क्या है कि उसमें ध्वनियां होती है, जैसे संस्कृत लेकर आए तो तुम अगर मान लो किसी पंजाब वाले को यूपी में अगर तुम 5 वर्ष रख दो तो यूपी के शब्द वो बोलने लगेगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज तो इन्फ्लुएंस होगा ही हो। तो यहां मुंडारी और द्रविड़ लैंग्वेज चलता था, तो आर्यों ने उस लैंग्वेज को एसिमिलेट की, उसमें से 300 वर्ड्स को एसिमिलेट किया जो लॉइन वर्ड्स है। लॉइन वर्ड्स है जो उनकी एटिमोलॉजी जो है उसकी उत्पत्ति है वो संस्कृत से नहीं है। इस पर स्कॉलर्स का कहना है कि अगर आर्यंस यहां से वहां गए, बाहर गए, तो बाकी जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें भी ये सब मिलने चाहिए थी, मुंडारी की और द्रविड़ की, वो नहीं मिल पा रही।
आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है उधर से इधर आते हुए तो दिखा, जैसे आप नॉर्थ वेस्ट में है तो नॉर्थ वेस्ट में उनका गांधारा केव कल्चर से जुड़े हुए थे, उसके बाद पीजीडब्ल्यू से जुड़े हुए थे, तो पीजीडब्ल्यू पहले पंजाब में है, फिर वहां से आप बढ़ते हुए आप गंगा यमुना दुआब में ऐसे बढ़ते हुए देखो, पीजीडब्ल्यू से अगर उनका आइडेंटिफिकेशन करोगे तो पीजीडब्ल्यू यहां से मध्य एशिया जाना चाहिए, पश्चिम एशिया जाना चाहिए, तो पीजीडब्ल्यू का डेवलपमेंट ही तो इंडिया में आने के बाद किया है उन्होंने। अभी आपके कोमल मस्तिष्क में शायद ये बात, और ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में देखिए तो आर्यंस के बारे में ऋग्वेदा में जो रेफरेंसेस है वो रेफरेंसेस क्या है, जिसमें वो जो 41 नदियों का रेफरेंस है उसमें 19 नदियों का डिस्क्राइब किया गया है, वो नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हुए दिखा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपका जो लिंग्विस्टिक सोर्सेस है उससे पता चलता है कि आर्यंस एक साथ नहीं आए, वो कई ब्रांचों में बट कर आए, और अब तो डीएनए फुटप्रिंटिंग भी है जो कजाक पहाड़ी से जो निकाला गया है, तो ये सब अपनी समझ अगर डेवलप हो जाएगी ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान कराने में संगम साहित्य कहां तक सहायक है, हाउ फार द संगम लिटरेचर एक्ट्स एज ए विंडो इनटू द सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ एंशिएंट साउथ इंडिया। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पहले उसमें आपको संगम साहित्य का महत्व लिखना पड़ेगा सोर्स ऑफ स्टडी के रूप में। सोर्स ऑफ स्टडी के रूप में वैदिक साहित्य से इसका महत्व ज्यादा होगा, वजह क्या है, क्योंकि जो वैदिक लिटरेचर है, एक तो उसका रिटन बेसिस नहीं था, हालांकि संगम लिटरेचर का भी प्रॉब्लम है, वो भी कोई एक समय का कंपाइलेशन नहीं है, थाउजेंड ईयर्स का है, लेकिन संगम लिटरेचर के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो कॉमन पीपल का लिटरेचर है, इट वॉज नॉट द लिटरेचर ऑफ द एलिट क्लास। तो कॉमन पीपल का जैसे चारण भाटों के द्वारा जिसको बार्ड्स कहते हैं, उसने उसको कंपोज किया है, तो उससे क्या हुआ कि जो चारण भाटों के द्वारा वो संकलित है तो उसका स्वाभाविक फायदा एक मिलता है, जो कॉमन पीपल के बारे में बहुत लिखता है, और उससे आपको हर तरह के अर्बनाइजेशन की सूचना मिल जाएगी, उससे आपको ग्रामीण सोसाइटी की सूचना मिल जाएगी, ट्राइबल सोसाइटी की सूचना मिल जाएगी, पशुचारक सोसाइटी की सूचना मिल जाएगी, रोमन ट्रेड की भी सूचना मिलती है। लेकिन कहां तक जब आए तो तुरंत तुम आर्कियोलॉजिकल सोर्स को सामने ला दो कि भाई लिटरेरी एविडेंस का तो अपना लिमिटेशंस है, समझ रहे हो, तो दोनों को कोरिलेट करने का की समस्या है। तो बालचंद्रन एक आईएएस ऑफिसर है, हिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया, उड़ीसा कैडर में थे, तो उन्होंने एक नया एक डायमेंशन खोला है संगम एज के हरप्पन सिविलाइजेशन के स्टडी में, कि फ्रॉम इंडस टू वैगई, और फ्रॉम इंडस टू वैगई में दिखाया है कि इंडस वैली से तो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका एक्सटेंशन हुआ संगम तक, और वो कहते हैं कि हरप्पाई आर्कियोलॉजी को अगर हम संगम साहित्य से जोड़ कर देखेंगे तब नगरीकरण की पूरी तस्वीर आएगी। तो खैर ये तो नया डायमेंशन है लिखने में, आप अपने, मैंने क्या कहा, वैल्यू एडिशन में मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि हल्का सा उसमें छौंका मार देना है, कोई अगर रेफरेंस हिस्टोरियन का या कुछ नाम दे देते हो तो उससे आपकी राइटिंग की गुणवत्ता बढ़ती है। तो मैं कहां होना चाहिए मैं खुद ही कर देता हूं, और आप लोग भी हिस्टोग्राफी को अच्छे से अप्रोप्रिएट कर लेते हो, सबसे खुशी होती है कि हिस्टोरियंस के नाम को भी याद रखते हो। मौर्य युग में स्थापित साम्राज्यवादी विचारधारा की रूपरेखा का विश्लेषण कीजिए, एनालाइज द कंटूर्स ऑफ इंपीरियल आइडियोलॉजी एज एग्जिबिटेड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमको ऐसा महसूस होगा कि डायरेक्ट उपिंदर सिंह से लिया है, क्योंकि ये जो इंपीरियल आइडियोलॉजी है सब उपिंदर सिंह ने यूज किया है। अब इंपीरियल आइडियोलॉजी क्यों, तो अगर तुम दो हिस्टोरियन को जोड़ोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं ये सब क्यों तुमको बता रहा हूं, क्योंकि तुमने अभी किया नहीं, तो यू आर गोइंग टू बी क्यूरियस कि भाई क्या होगा। तो एक है नैन ज्योति लाहिड़ी, तो नैन ज्योति लाहिड़ी कहती हैं कि विथ एडवेंट ऑफ अशोका इन इंडिया देयर एंडेड द एरा ऑफ अ फेसलेस किंग। पहले मुखविहीन राजा होता था, पता नहीं साहित्य में होता था भी बिंबिसार था या नहीं था, अजातशत्रु था या नहीं था, वी डोंट नो, लेकिन अशोक था, लिटरेचर में है बिंबिसार तो भी था, अजातशत्रु भी था, हम ये नहीं बोलते, लेकिन किसी ने देखा नहीं, पढ़ा कि था, अशोक को लगता है देखो वहां खड़ा है, पिलर है उसका, उस पर उसका आदेश है।
जब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं थी, तब उसने अपने इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से एड्रेस किया पेपर को, मन की बात कही। तो वो जो है एक बहुत बड़ा, अच्छा दूसरी बात है, अब इंपीरियल आइडियोलॉजी क्यों? तो अगर पिताजी भी ज्यादा प्यार करने लगे तो थोड़ा उसमें निरंकुशता झलकती है कि बेटे मैं प्यार करता हूं लेकिन बदले में तुमको दूसरे से प्यार करना छोड़ना होगा, नहीं तो मेरे प्यार से वंचित हो जाओगे, और अगर ज्यादा गड़बड़ी की तो प्रॉपर्टी से ही वंचित हो जाओगे। क्या तो अशोक का जो इंपीरियलिज्म है कुछ इसी तरह का है, धम्मा पॉलिसी में बहुत प्यार दर्शाता है, सारी प्रजा मेरी संतान है, लेकिन प्रजा मेरी संतान है बोल तो रहे हो लेकिन आप प्रजा के जीवन में तो इंटरफेरेंस हो रहा है, धम महामात्रा आ रहा है, आप वैल्यू सिस्टम को क्रिएट कर रहे हो, लोगों से अपेक्षा कर रहे हो ऐसे जियो ऐसे खाओ, एनी वर एक्वायरिंग द पावर टू इंटरवीन इन टू द लाइफ ऑफ योर पीपल। दूसरी बात है जो इंपीरियल आइडियोलॉजी है, जो आगे अकबर ने अपना फतेहपुर सिकरी में दिखाया, या चोल शासक राज राजा प्रथम ने अपने बृहदेश्वर टेंपल में दिखाया, वो अशोक ने सबसे पहले अपने पिलर्स में दिखाया, मैं हूं नॉर्थ ईस्ट में, मैं कहां हूं देखो मेरा बॉर्डर, मैं अफगानिस्तान में भी हूं, मैं दक्षिण में भी हूं, और दक्षिण में उसने आदेश जारी किया विंध्य क्षेत्र में आटविक क्षेत्र के लोगों को कि अगर तुम शिकार करना नहीं छोड़ते हो तो समझ लो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो चाहता था पूरे एम्पायर को अपनी आइडियोलॉजी से बाइंड करना, क्योंकि उसके समय तक एक सब कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन हो चुका था मौर्यन एम्पायर का, अब आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं थी, अब उसको संगठित करने की आवश्यकता थी। तो जिसको समझ है वो अच्छा लिख सकता। अब पूर्व गुप्त युगीन भारत की तुलना में गुप्त युग में महिलाओं की स्थिति का आकलन कीजिए, इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ वुमन इन गुप्ता पीरियड एज कंपेयर्ड टू द प्री गुप्ता एरा। अब देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है प्री गुप्ता से गुप्ता का, तो महिलाओं की स्थिति गिरनी तो शुरू हो गई थी प्री गुप्ता में, जैसे मनु संहिता आप देखते हो, गुप्ता में तुमको दो तरह के सोर्स मिलते, एक है आर्कियोलॉजिकल और दूसरा है लिटरेरी। तो लिटरेरी सोर्स में देखोगे अधिकांशतः महिलाओं को आइडियलाइज करने, एक आइडियल पिक्चर देने की कोशिश की गई है, जैसे उनका आदर्शीकृत किया गया है, लेकिन अगर समकालीन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में देखोगे तो तुमको स्थिति में गिरावट स्पष्ट नजर आएगी, जैसे एरन इंस्क्रिप्शन है। कुछ साहित्य में भी है, जैसे देवदासी सिस्टम की चर्चा कालिदास की रचना में है मेघदूतम में। तो उसमें जो सामाजिक बुराइयां कैसे महिलाओं की स्थिति में कंफ्लिक्ट दिखता है, एक तरफ उसका प्रॉपर्टी राइट बढ़ा रहे हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में, एक तरफ उसका आदर्श पिक्चर मिल रहा है, दूसरी तरफ उसकी सामाजिक दशा में गिरावट एक्चुअल में आ रही है, तो यही चीज इस क्वेश्चन में दिखाना। भक्ति आंदोलन के सिद्धांतों प्रसार और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, एनालाइज द टेनेंट्स स्पिरिट एंड इंपैक्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। अब देखो ये कितना ओपन एंडेड क्वेश्चन है यार, कौन भक्ति की बात तुम कर रहे हो, गुप्तकालीन भक्ति की, पूर्व मध्यकालीन अलवार नैनार संतों की भक्ति, कि कबीर नानक की भक्ति, कि तुलसी सुर की भक्ति, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हिच भक्तिज्म, बिकॉज भक्तिज्म वाज द लार्जेस्ट कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया दैट एग्जिस्टेड मोर देन 1000 years। भक्ति मूवमेंट लार्जेस्ट कल्चरल मूवमेंट था इंडिया का, जो 1000 वर्षों से अधिक समय तक वह मूवमेंट रहा। सो क्वेश्चन अराइजेज कि यू आर टॉकिंग अबाउट व्हिच सॉर्ट ऑफ भक्तिज्म। तो ये जो आपका है इसमें बस उस पचरे में नहीं पढ़ना है, सभी को रेफरेंस दे देना है, एनालाइज द टेनेंट्स, भक्तिज्म क्या कहता है, निजी देवता के प्रति समर्पण का भाव, उनके प्रति व्यक्तिगत निष्ठा, उसका जो स्पेशल जो टेनेंट्स होता है उसको देना है, मतलब सिद्धांत स्प्रिट एंड इंपैक्ट, और आपको एक पैराग्राफ में दिखा देना है कि 1000 वर्षों तक चला और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ विस्तार हुआ, एंड इंपैक्ट ऑफ द भक्तिज्म, द इंपैक्ट कंफ्लिक्टिंग, एक तो कल्चर यूनिटी इंडिया को दिया ये तो सर्वविदित है, लेकिन अब कहीं पर यह सामंतवाद का हाथ भी मजबूत कर रहा है,
कहीं पर ये जन आंदोलन को खड़ा कर रहा है, कहीं पर राज्य निर्माण को जन्म दे रहा है, स्टेट फॉर्मेशन, जैसे सिखों का मूवमेंट, गुरु नानक का मूवमेंट, तुम देखो अंत में सिख राज, महाराष्ट्र धन मराठा राज। तो एक मैंने क्या कहा, इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि तुम जब तक पढ़ोगे और फॉलो करोगे और जो मैं तरीका बता रहा हूं उसमें जब तक थिंकिंग, अगर थिंकिंग क्रिएटर तुम 50% बन गए तो मार्केट से तुम 50% आगे हो गए। जिस रेशियो में जितना थिंकिंग क्रिएटर बनेगा, क्या बने हो कि नहीं, बनने का फायदा मिला है कि नहीं, सीधे आप आगे पीछे कहीं भी जा सकते हो, कहीं से काट कर जोड़ सकते हो। दो चीजों का पालन करवाऊंगा मैं, एक थिंकिंग क्रिएचर और दूसरा बड़े लैंग्वेज के छोटा करना कैसे। मैं बहुत जल्दी कॉम्प्रिहेंशन इंट्रोड्यूस करूंगा और बहुत जल्दी मैं अपने संस्थान में प्रेसी राइटिंग इंट्रोड्यूस करूंगा कि पहले बच्चा बड़ा को छोटा करना सीखे, बहुत अहम है। जब तक वो नहीं करता है वो, तब तक 150 वर्ड्स के क्वेश्चन 250 वर्ड्स के क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। ये दोनों चीजें चाहिए। हो गया था ना इसमें, अच्छा नहीं, हाँ। दक्षिण भारत के आरंभिक मंदिर स्थापत्य शैली की तुलना में चोलों का मंदिर निर्माण किस हद तक और भी अधिक परिष्कृत और भव्य दिखाई देता है। हाउ फार टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर द चोलाज बिकेम मोर रिफाइंड एंड ग्रैंडियोज एज कंपेयर टू द अर्ली साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। अब क्या है, फर्गुसन के स्टेटमेंट से शुरू कर दोगे कि चोल कलाकारों ने राक्षसों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह तराशा। और पीछे जो तुम्हारा दक्षिण में है क्या, पल्लव, पल्लव कालीन से कंपेयर करके इसका स्वतंत्र बृहदेश्वर टेम्पल और उसका गंगई कोंचलपुरम का टेम्पल, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके फीचर्स की तुलना करते हुए कैसे इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में उसका रोल है, कैसे मंदिर का आकार बढ़ रहा है, वही हल्का सा इसको दिखाना है। इज इट करेक्ट टू से दैट द पोस्ट गुप्ता पीरियड वॉज रिमार्केबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ रिलीजियस कल्ट्स इन इंडिया। क्या कहना उचित है कि भारत में धार्मिक मतों के विस्तार के दृष्टि से गुप्तोत्तर काल महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, उत्तर में तंत्रवाद, दक्षिण में भक्ति और बहुत सारे जो क्षेत्रीय पंथ है। उधर पूर्व में देखोगे बुद्धिज्म में महायान, वहां पर वज्रयान शाखा। दक्षिण में तुम देखोगे तो जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, भक्ति आंदोलन, अलवार और नैनार संतों का उद्भव है। तो यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटीज तो पूरे इंडिया में है, क्योंकि गुप्तोत्तर काल में रीजनल स्टेट्स है और डिफरेंट रीजन्स उसमें डिफरेंट सेट्स इमर्ज कर रहे हैं। तो यही जो है, क्या कहना उचित है कि भारत में धार्मिक मतों के विस्तार जैसे गुप्तोत्तर काल महत्वपूर्ण था। बिल्कुल, उत्तर से दक्षिण में भक्ति गई, उत्तर में पुराणों पर आधारित भक्ति थी, दक्षिण में संगम साहित्य से जुड़ गई। तो संगम साहित्य से जब उसका जुड़ा हुआ तो फिर भावनात्मक पक्ष भक्ति का स्पष्ट हो गया। अब देखो ये मेडिवल हिस्ट्री का है, पार्ट सेकेंड वन। भारतीय सामंतवाद के विभिन्न समर्थक तत्वों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द वेरियस प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म। ये बड़ा नहीं हो पाएगा यार, इसमें कुछ लुचा है, ये हो नहीं पाएगा, तो सुनकर काम चलाना होगा। तो डिस्कस द वेरियस प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कुछ हेल्प करूं, बड़ा नहीं हो सकता, सुन के काम चला। तो भारतीय सामंतवाद पर जब तुम लिख रहे होगे तो मैं उसमें सारे एस्पेक्ट, मैं कोई भी एस्पेक्ट छोड़ता नहीं, मैं सारा एस्पेक्ट कवर करता हूं। पहले हिस्टोग्राफी कराता हूं कि डिफरेंट हिस्टोरियंस ने सामंतवाद को कैसे व्याख्या, फिर सामंतवाद का फीचर्स कवर करवाता। तो ये पूछ रहा है कि डिस्कस द वेरियस प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म, कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसके जो वेरियस प्रोपोनेंट्स की बात की है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को लिखने के लिए फ्यूडलिज्म के हिस्टोग्राफी की समझ होनी चाहिए। जब तुम फ्यूडलिज्म पढ़ोगे तो उसका काउंटर विचार भी एक आता है, इंटीग्रेटिव स्टेट सिस्टम, जो बी डी चट्टोपाध्याय और हरमन कुलके का है। एक बर्टेनस्टाइन का है सेगमेंटी स्टेट सिस्टम। लेकिन इसमें तो उसमें जो अब बी डी चट्टोपाध्याय का जो अवधारणा है वो ज्यादा स्वीकृत है। लेकिन अब इसमें लोचा ये है कि ये 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, उसमें आपको प्रेसी राइटिंग की जरूरत पड़ेगी।
आप उसको शॉर्ट करके कैसे डाल सकते हैं हिस्टोग्राफिकल अप्रोच को जो इतना लंबा चौड़ा है। दूसरा है कि अलवरुनी के द्वारा किए गए भारतीय समाज के आकलन के दोषों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द डिफेक्ट्स इन अलवरुनी असेसमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब मान लो दोषों का परीक्षण जो उसने जो आकलन किया है, तो जब तुम इंडिया आए तो यार तुम इंडिया को देखकर आकलन करते, तो देखा कम और पढ़ा ज्यादा। अब तुम दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली के बारे में टेक्स्ट बुक पढ़ के तुम अगर आकलन दोगे, और एक है कि तुम ऑब्जर्व कर रहे हो पूरे दिल्ली को, तुम्हारा जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से निकलेगा, वो दोनों अलग अलग चीजें हो जाती है। तो अलवरुनी ने एक अच्छा काम तो किया कि आने के बाद संस्कृत सीखा, संस्कृत सीखने के बाद फिर भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया, और ग्रंथों का अध्ययन करके फिर भारतीय समाज की तस्वीर खींची। क्या क्वेश्चन की ऊर्जा को नहीं सह पा रहे? तो लेकिन उसका दोष यह है कि वह बहुत सारी ऐसी बातों का वर्णन करता है जो एक्चुअल में नहीं है। इंडियन लोग खराटा लेते, बाल और नाखून शरीर के नहीं काटते, है ना? और सबसे अहम बात है, खाने से पहले मदिरा पान कंपल्सरी करते, और छोटी छोटी बात पर घर में पत्नी से राय लेने जाया करते। तो पहले जाकर वो पत्नियों से मिलता। अगर भारत में पत्नियों की इतनी सुखद स्थिति मध्यकाल में होती कि पति उनसे राय लेकर काम करते, तब पत्नियां से भाग्यशाली कौन हो सकता था? ये तो बहुत अच्छी बात थी, महिला सशक्तिकरण तभी हो जाता, लेकिन ऐसा तो था नहीं। इतिहास के प्रमुख साक्ष्य के रूप में सूफी साहित्य के महत्व का आकलन कीजिए। कितना बढ़िया ये क्वेश्चन पूछा है। देखो, मलफुजात पर मुख्य रूप से करना है, लेकिन तुम लोग जो 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी पर होगे, इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि एनसीईआरटी का भी कोना कोना छाने बाद उसमें क्लास में करवा देता हूँ। एनसीईआरटी की आवश्यक चीजें तो मैं क्लास में नोट डाउन नहीं करवा देता हूँ। जैसे उसमें मकतूबात है, मलफुजात है, बहुत सारे उसके पांच है साहित्य, और वो पांच साहित्य अलग अलग है जो मैंने क्लास में नोट करवाया हुआ है। इस साहित्य पर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन हेतु आप किन कारकों को उत्तरदायी मानते हो? व्हाट फैक्टर्स डू एट्रिब्यूट फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत? कम से कम पांच कारण निकालो। फिरोज शाह तुगलक तो एक मेजर कारण, उसके बाद मंगोल आक्रमण को भी एक कारण निकालो, है ना, तैमूर के आक्रमण को भी कारण निकालो, ओके। फिर इनका जो एकता सिस्टम में जो व्यवधान आ गया है उसको भी कारण निकालो। तो इस तरह से करके आपको लगभग 5 कारण निकालना होगा, 4 से 5 कारण निकाल लो हो जाएगा। किसमें? डिक्लाइन में। सुनील कुमार ने डिक्लाइन पर नहीं लिखा है। सुनील कुमार का जो एरिया है वो 13 से नहीं, रेफरेंस में हिस्टोरियन तुमको आएगा, नहीं आएगा तो मॉडर्न में आएगा, बट दिल्ली नहीं, सुनील कुमार का शोध दिल्ली सल्तनत का नहीं, दिल्ली सल्तनत में हबीब निजामी का शोध है, बहुत सारे स्कॉलर का शोध है, हबीबुल्ला का शोध है, तो उसमें शोधों में कमी नहीं। पीटर हार्डी का है रिसर्च, बहुत सारे स्कॉलर्स का है। सुनील कुमार बेसिकली उन्होंने लिखा है 13th century पर, क्योंकि सुनील कुमार से पहले क्या था कि जो भी स्कॉलर्स आते थे तो वो दिल्ली सल्तनत को 12th century पर लिखा है। बाकी स्कॉलर 13 और 14th century को आइडियलाइज करते थे, 12th century पर कोई काम हुआ ही नहीं था। तो सुनील कुमार ने इलवरी डायनेस्टी पर काम किया है, तो उसने उस पर, और सोर्सेस ऑफ स्टडी पर सुनील कुमार का बहुत बढ़िया काम है, और एक काम दिल्ली के आर्किटेक्चर पर है उसका। तो सुनील कुमार तो बहुत लिमिटेड बुक लिखा है उन्होंने, 2 बुक नॉर्मली लिखी है मुझे जहां तक ध्यान है, लेकिन उन्होंने जो सोर्सेस का जो कंपाइलेशन किया है दैट वॉज आउटस्टैंडिंग दिल्ली सल्तनत का। और यश सर, मैं सूफी साहित्य पे कुछ कहना चाहूंगा। किस पर? सूफियों पर। हाँ, तो सर सूफियों ने आंदोलन ने एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया जिससे कि दिल्ली सल्तनत काल के विद्रोह की जो भावना थी वो थोड़ी कम हुई, जिससे दोनों संस्कृति में समावेश हो गया। हाँ, वो ठीक है, तुमने जो कहा भारत की समन्वित संस्कृति के विकास में सूफियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस क्वेश्चन में देखो एक्चुअली है क्या कि जहाँ पर क्वेश्चन का जो डायमेंशन पूछा जाता है, यहाँ आपसे नहीं पूछा जा रहा, यहाँ से पूछा जा रहा है कि सूफी संतों ने कैसे देखा विभिन्न लोगों को, और उन्होंने जो साहित्य छोड़ा है
उस साहित्य से हमें कैसे पता चलता है उस काल के इतिहास के बारे में, तो यहां उनका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। मैंने क्या कहा कि किसी भी चीज का, इसलिए मैं कोई भी टॉपिक लेता हूं तो डायग्राम पहले बना के पर्सपेक्टिव क्लियर कर देता हूं कि देखो तो इसमें 5 पर्सपेक्टिव है, 7 पर्सपेक्टिव है, और उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है कि एक पर्सपेक्टिव वो निकाल लेते हैं तो मैं कहूंगा कि भाई क्या करना होगा तुमको, तो कुछ नहीं करना है, वहां पर बस पेन को रखना है, आंख बंद करनी है और तुरंत 1-2 मिनट में जुगाली कर लेनी है, और वहां पर दिखाना है जो 6 डायमेंशंस तुम पढ़े हुए हो उसे 7वां डायमेंशन का अनुमान करके लिख देना। कितना भी हम लोग केयरफुल होके जाएंगे, यूपीएससी की अपनी विशेषता होती है, चाहे वो जीएस का पेपर हो या ऑप्शनल का पेपर हो, उसमें 1-2 डायमेंशन वो खोल ही देंगे आपको, जो डायमेंशन प्रीवियस डायमेंशन से नहीं होगा। तो जहां तक खुलता है नई पुस्तकों के आधार पर भी मैं नए डायमेंशन क्रिएट कर देता हूं। तो अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति का उद्देश्य मध्यस्थ शक्तियों की सत्ता को नियंत्रित करना था। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके द्वारा अपनाए गए उपायों का परीक्षण कीजिए। द मोटिव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एग्रेरियन पॉलिसी वॉज टू कर्व द पावर्स ऑफ इंटरमीडियरीज, एग्जामिन द मेजर्स व्हिच ही अडॉप्टेड टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। अब देखो पिछले साल भी अलाउद्दीन खिलजी के पॉलिसी पर पूछा था, लेकिन शायद मार्केट कंट्रोल पूछा था, और ये पूछा है कृषि नीति के ऊपर, तो उनका अपनी विशेषता होती है। इस बार हमें अनुमान था कि तुगलक पर पूछेगा, लेकिन फिर खिलजी पर पूछा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चूंकि सारा टॉपिक कवर किया हुआ है तो प्रॉब्लम क्या है जिससे भी पूछना हो। तो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अग्रेरियन पॉलिसी वॉज टू कर्व द पावर्स ऑफ द इंटरमीडियरीज, वही खुद मुकदम चौधरी को दबाने के लिए, एग्जामिन द मेजर्स व्हिच ही अडॉप्टेड अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स। ये तो इतना स्ट्रेट है, ये किसको कौन कौन सा मेजर्स उसने लिया लैंड रिफॉर्म्स का, और 2 पार्ट में होगा, 75 वर्ड्स में दोनों लिखना है, तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्कोप है ही नहीं। किसको टारगेट लेता है और टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करता है, कौन सा मेजर्स लेता है, तो नॉर्मली यही इस क्वेश्चन का डिमांड होगा। जहांगीर के शासन काल में मुगल दरबार की नीतियों में नूर जहां की भूमिका का विवेचन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ नूर जहां इन द मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। मैं पिछले 4 साल से नूर जहां का पीछा कर रहा था, अंत में इस बार वो पकड़ में। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि नूर जहां के बारे में जुंटा का कॉन्सेप्ट था। मैं कभी निराश नहीं हुआ, मैं लिखवाता रहा बच्चों को इस उम्मीद से कि हम होंगे कामयाब एक दिन, आज न कल नूर जहां आएगी। तो क्या है कि जुंटा का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बेसिकली तुम देखो कि मेरा मैटर में दिया है, वेणी प्रसाद ने इसको दिया है। वेणी प्रसाद एक राष्ट्रवादी हिस्टोरियन थे जिन्होंने जुंटा का एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक्चुअली जहांगीर जब नूर जहां से उसका विवाह निकाह हुआ और वो पादशाह बेगम बनी, तो उस समय नूर जहां का भाई आसफ खान था और नूर जहां का पिता एतमादुद्दौला था। एतमादुद्दौला वजीर के पद पर चला गया, आसफ खान चला गया खाने समा के पद पर, ये 3 काफी इन्फ्लुएंशियल हो गए। और इसी समय आसफ खान की बेटी जो अर्जुना मंद बानो बेगम है, जिसको मुमताज महल के नाम से जानते हो, उसका विवाह शाहजहां से हो गया। तो शाहजहां भी इस गुट में आ गया, तो 4 लोगों का गुट बन गया, उसको कहते हैं चौकड़ी, उसी को जुंटा। तो जो 4 लोगों का गुट है, वो 4 लोगों का गुट ही जहांगीर की नीति को चलाता था, ये वेणी प्रसाद ने दी। लेकिन इसका खंडन कर दिया प्रोफेसर नूरुल हसन ने। प्रोफेसर नूरुल हसन अलीगढ़ स्कॉलर थे, वो तो गवर्नर भी बने थे बाद में, तो अलीगढ़ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया, तो उन्होंने इसको कहा कि नहीं, लास्ट तक जहांगीर खुद से और अपने बेसिस पर डिसीजन लेता था। बलबन ने दिल्ली सल्तनत के लिए विस्तारित करने के स्थान पर समेकित करने की नीति क्यों चुनी थी। व्हाई डिड बलबन प्रेफर कंसोलिडेशन ओवर एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब कंसोलिडेशन ओवर एक्सपेंशन क्यों नहीं चुनता, उधर मंगोलों का इन्वेजन हो रहा था और उधर जो तुर्के चहलगनी थी उसकी, वो प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ था। तो टर्क के चहलगनी तो मोनार्की को स्टेबलाइज होने ही नहीं देती थी। सो फर्स्ट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक मोनार्की अ सीरियस प्रोफेशन, और सेकेंड ये कि नॉर्थ वेस्ट से जो इल्तुतमिश के बाद जो मंगोलन इन्वेजन शुरू हुआ बहराम शाह के समय से, तो उसने नॉर्थ वेस्ट को बिल्कुल असुरक्षित कर दिया था। तो इसने 2 सुरक्षा पंक्ति का निर्माण किया। तीसरी बात यह है कि दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर जो राजपूत विद्रोही और म्यो विद्रोही ने विद्रोह कर दिया था, तो जब तक कॉन्सोलिडेशन वो नहीं करता तो आगे विस्तार संभव ही नहीं था।
मुगल लघु चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला की किन विशेषताओं का समावेश हुआ? व्हाट फीचर्स ऑफ यूरोपियन पेंटिंग्स वर इनकॉर्पोरेट इन द मुगल मिनिएचर पेंटिंग? ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए होगा क्योंकि केवल यूरोपियन पेंटिंग्स के फीचर से फुल क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएगा। 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, हालांकि 200 वर्ड्स के हैं, तो उसको पहले दो तरह की पेंटिंग्स है, एक तो आप देखते हो पोर्ट्रेट, तीन तरह की पेंटिंग्स है, एक तो फ्रेस्को है दीवार पर, दूसरा पोर्ट्रेचर छवि, और तीसरा है मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब है एल्बम, रामायण महाभारत आदि आदि। तो उसमें क्या है कि उसको बच्चों के यहाँ चालाकी यह करनी पड़ेगी कि लगभग उसको 100 वर्ड्स इंडियन फीचर्स पर लिखकर और तब यूरोपियन फीचर्स से मिलान करते हुए उसको 200 तक पहुंचाना हो। जैसे उसका कलर कॉम्बिनेशन यूरोपियन का क्या था, गरजते हुए बादल का चित्र, जो प्रकृति का जैसे गरजते हुए बादल का चित्र, चमकती हुई बिजली का चित्र, जैसे ईसा मसीह का जो चित्रण होता था उसकी माता यीशु और मरियम का, उससे कैसे प्रभावित है, देवदूत वाले पंख का चित्रण होता था, तो ये सब चित्रण उसने जो लिया है मुगल चित्रकला ने वो लिया है यूरोपीय चित्रकला से, और विशेषकर जहांगीर के समय यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव काफी बढ़ गया है। तो यही चीज आपको यहां पर करनी है। मुगल साम्राज्य की अखंडता के लिए मराठा एक महत्वपूर्ण खतरे की तरह खड़े थे, विवेचना कीजिए। द मराठाज पोज द सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ मुगल एम्पायर, डिस्कस। जब डिस्कस देते हैं तो क्या मीन करते हैं कि ये विचार क्या कहता है, वो विचार क्या कहता है, फिर मैं क्या कहता हूं। तो द मराठाज पोज द सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, डिस्कस। तो अब इसमें तुमको दो विचार होना चाहिए। एक विचार है कि मराठे विघटन को अंजाम दे रहे हैं या विघटन हो रहा है उसका मराठे फायदा उठा रहे, क्या? तो दोनों विचार को अलग अलग करके देखिए, फिर कंक्लूजन देना होगा। और क्वेश्चन देखते हो कितना अप्लाइड है कि खड़ा हो गए, खड़ा हो गए तो अब बच्चों के दिमाग में तो मैं क्या करूं, खड़ा हो गए तो लिखिए उसको कैसे खड़ा हुए, खड़ा हुए कि नहीं हुए। तो बेसिकली रिक्रिएट करके लिखना पड़ता है, इसलिए जब तक तुम्हारा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में नहीं बदलता है तब तक क्वेश्चन राइटिंग नहीं हो पाती। और तुम लोग जो कॉमन, अगर तुम्हें से कोई कंप्लेंट कर सकते क्वेश्चन राइटिंग में दिक्कत हो रही, तो मैं सीधा कहता हूं कि अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, अभी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को कट करके कैसे रखोगे। जैसे आप अगर पुस्तकीय मेरा नोट्स का ज्ञान जो भी है, नोट्स में तो खैर मैं लिंक करके देता हूं आपको तो परेशानी नहीं है, नहीं तो पुस्तक में भी तुम पढ़ोगे तो उसमें तो एक एस्पेक्ट दिया हो रहा था, वो आप डायरेक्ट उत्तर में नहीं लिख सकते, वो आपके दिमाग में घुलेगा और घूलने के बाद जब वो कॉन्सेप्ट के रूप में तब्दील होगा फिर वो जाके कॉपी पर उतरेगा। हैदर अली साम्राज्य का निर्माण करने के लिए पैदा हुआ था और टीपू सुल्तान उसे खोने के लिए टिप्पणी कीजिए। देखो कि मेरा बुकलेट में बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है ना। हैदर अली वॉज बॉर्न टू बिल्ड एन एम्पायर एंड टीपू सुल्तान टू लूज वन कमेंट, इसको खंडन करना। मैंने उत्तर में दिया हुआ है मॉडल में, टीपू सुल्तान को ज्यादा एग्रेसिव कंपनी का सामना करना पड़ा था। हाँ एक बात जरूर है, तुमको टीपू सुल्तान का फेलियर भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों के बारे में कहा जाता है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी पर इतना बल देते हैं कि बीच में नॉर्थ ईस्ट दिखता ही नहीं। लुक ईस्ट में हम लोग थाईलैंड इंडोनेशिया को देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट को नहीं देखते। तो टीपू सुल्तान जो ग्लोबल जो एक अलायंस बनाना चाहता था उसमें इतना मशगूल था कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मराठे और निजाम से भी डील करना चाहिए, और मराठे और निजाम आइसोलेट कर दिया उसको। ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में, जो कॉर्नवालिस उसको आइसोलेट कर दिया डिप्लोमेटिकली, कभी हैदर अली आइसोलेटेड नहीं हुआ। दोनों बार उसने दांव फेंका ब्रिटिश ने, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और दोनों बार हैदर अली ने ब्रिटिश को मात दे दी, कूटनीतिक मात दे दी, उन दोनों के साथ उसने दोस्ती कर ली, लेकिन टीपू सुल्तान मैनेज नहीं कर पाया, उसमें वो एक्यूमेन नहीं था। जो लोकल पॉलिटिक्स में, लोकल पॉलिटिक्स पर वो ध्यान नहीं देता था। देखिए ये छोटा सा कारण, लेकिन आपको अदर कारण बताना पड़ेगा कि नहीं, परंतु यह तो एक छोटा सा कारण है। अब जितना एग्रेसिव कंपनीज का सामना टीपू को करना पड़ा उतना हैदर को नहीं था, तब तक कंपनी काफी मजबूत हो गई थी। और फिर दूसरी बात है कि जो मैसूर का राज्य था वो फ्रांसीसियों की शक्ति पर निर्भर था, और टीपू के समय तक फ्रांसीसी हार चुके थे, भूमिसात हो चुके थे, इस कारण से भी टीपू का पतन आसानी से हो गया।
रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों के उदय का विश्लेषण कीजिए। इसमें तो आपको रणजीत सिंह का रूल के बारे में देना पड़ेगा और कैसे रणजीत सिंह ने एक एम्पायर पंजाब में एक बड़ा सा स्टेट, पावरफुल स्टेट ऑफ सिख बनाया और खालसा को कैसे अंजाम दिया। तो इसमें कुछ खास इंफॉर्मेशन के बल पर यह क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मुगल वास्तुकला की प्रकृति समन्वयवादी थी, टिप्पणी कीजिए। मुगल आर्किटेक्चर वो सिंक्रिटिक इन कैरेक्टर कमेंट। तो आप सीधे हुमायूं के मकबरा से शुरू करेंगे और आगरा के ताजमहल तक, कैसे उसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एसिमिलेशन है। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एसिमिलेशन आप सीधा शुरू करेंगे हुमायूं के मकबरा से, उसके टॉम से, और वो सीधे चला जाएगा आगरा तक, यानी ताजमहल तक। उसमें क्या क्या त्रावियत स्टाइल का प्रभाव है, कैसे आर्क्यूट, कैसे अकबर ने उसमें समन्वय लाया, कैसे अकबर ने क्षेत्रीय शैलियों को भी एसिमिलेट किया। फतेहपुर सिकरी उसका है या आगरा के किले हैं, तो कहाँ कहाँ जहांगीरी महल है, इसी में आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आसान है, कोई ऐसी बात। 18वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था में मंद अर्थव्यवस्था नहीं थी, विवेचना की। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया वॉज नॉट स्टैग्नेंट इन द 18th सेंचुरी डिस्कस। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन से कौन क्या अनुमान लगाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। अच्छा का परिप्रेक्ष्य या बुरा का परिप्रेक्ष्य क्या? हाँ, बात देखो कितना समझदार हो गया। वेरी गुड गुड। जैसे ब्रिटिश जो क्लेम करते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया का मॉडर्नाइजेशन हुआ, ये क्वेश्चन बता रहा है कि देखो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और अगर आप इंटरवेन नहीं करते तो हमारी इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ गई थी। आपने इंटरवेन करके हमारी इकोनॉमी को और भी आपने नाश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ये जो है इसमें आपको 18th सेंचुरी में जो इंडियन इकोनॉमी का एक्सपेंशन हो रहा था, कैसे यूरोपियन ट्रेड उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा था, ये पहलू को देखकर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना। किसका? प्लिनी को क्यों रुला रहे हो 18वीं सदी में? वो तो पहली सदी में रो रहा था, 1700 के वर्ष के बाद फिर रुला रहे हो उसको। तुम 18वीं सदी की बात कर रहे हो और प्लिनी 1st सेंचुरी का है, रोमन ट्रेड के समय। तो रोमन ट्रेड से एक ऑथर को उठा के जब मुगल ट्रेड में रुलाओगे तो परीक्षक रो देगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? सीए बाइली, यश, हाँ सीए बाइली है, संजय सुब्रमण्यम है, तपन राय चौधरी है, मुजफ्फर आलम है, इनको लेकर देना पड़ेगा। ये सब तो मैंने लिखवाया, मैंने मेरी कॉपी को कोई ओपन करे और क्वेश्चन मिला ले। अब तुम आए सेकेंड पेपर पर। सेकेंड पेपर किसी भी क्वेश्चन किसी भी पेपर का होता है वो अप्लाइड होता है उसका नेचर। फर्स्ट पेपर से उसकी प्रकृति अलग होती है। विच वन? क्लाइव कहां दिख रहा है तुम्हें? मुझे फिर एक बार पीछे ले चलना पड़ेगा। तो 18वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था मंद अर्थव्यवस्था नहीं थी लिखना, ये तुमको 18वीं सदी का पूर्वार्ध बोल रहा है। ये आईक्यू है ना तुम्हारा, समझदारी यही है ना, सेंस से क्वेश्चन पकड़ना पड़ता है। इसलिए मैं मानकर चलता हूं यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो धनुष यज्ञ में जिस तरह पहला चैलेंज होता था शासकों को कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर रहा, पहले धनुष को हिला नहीं पाते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू एक्सप्लोर द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो हमारे नॉलेज की पहली परीक्षा होती है जब हम क्वेश्चन के डिमांड को समझते हैं, और क्वेश्चन के डिमांड को समझ गया तब तो उत्तर की दिशा चली जाएगी। जब हम क्वेश्चन का डिमांड ही गलत समझ जाएंगे तो पूरा उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। विकेंद्रीकरण यहां पहलू नहीं, यहां पर इकोनॉमी पहलू है, क्षेत्रीय इकोनॉमी। मतलब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है लेकिन भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, यही इसका थीम है। अब देखिए
उपनिवेशवाद का व्यापारीकरण पर अपना ही एक विकृत तर्क था, क्योंकि विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि व्यापारीकरण प्रायः एक कृत्रिम और जबरन प्रक्रिया रही। कॉलोनियलिज्म हैड अ ट्विस्टेड लॉजिक ऑफ इट्स ओन फॉर कमर्शलाइजेशन, इट इमर्जेज ऑन एनालिसिस टू हैव बीन ऑफन एन आर्टिफिशियल एंड फोर्स प्रोसेस। देखो यही क्वेश्चन, जिसको ब्रिटिश कॉलोनियल, जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रभाव की थोड़ी समझ हो। अब यहां टर्म यूज किया है कि कॉलोनियलिज्म हैड ए ट्विस्टेड लॉजिक ऑफ इट्स ओन फॉर कमर्शियलाइजेशन, उपनिवेशवाद का व्यापारीकरण पर अपना एक विकृत तर्क था। एडम स्मिथ कहता था कि अगर आप अर्थव्यवस्था को खोल दोगे और फ्री इकोनॉमी को अगर आप एडॉप्ट करते हो और इंडिविजुअल फ्रीडम यानी इंडिविजुअल इनिशिएटिव को प्रोत्साहित करते हो तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो बेसिकली जो ब्रिटिश चिंतक हैं, जिसमें आपको एडम स्मिथ से डेविड रिकार्डो तक जितने भी थिंकर्स हैं, वो सब फ्री ट्रेड को बहुत आइडियलाइज किया, कहा कि फ्री ट्रेड पॉलिसी से पूरी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने जो लागू किया वो डिस्टॉर्टेड इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो डिस्टॉर्टेड कमर्शियलाइजेशन था, जो एक तरफा था। उन्होंने तो आप कैसे कृषि, उनका जो पॉलिसी है एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो कैसे हमारी इकोनॉमी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एक तरफ वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं और हमारी इकोनॉमी को किस तरह से उनकी जो वो एक फेयर प्ले नहीं कर रहे हैं। जैसे अब फ्री ट्रेड है तो एक तरफा है, हमारे मार्केट को तो खोल दिया उन्होंने, लेकिन वो अपने मार्केट को हमारे गुड्स के लिए बंद कर दिया। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, लेकिन एग्रीकल्चर में निवेश नहीं किया, किसानों पर अधिभार। अपने यहां से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ला रहे हैं, हमारे यहां डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हमारे इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो 1857 के उपरांत कृषक आंदोलन में किसान एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरते हैं। आफ्टर 1857 द पेजेंट्स इमर्ज्ड एज द मेन फोर्स इन एग्रेरियन मूवमेंट्स। मतलब देखो जो पेजेंट मूवमेंट्स होता है ना, उसका लैंडमार्क है 1857 से पहले का जो मूवमेंट है उसमें आपको मोबिलाइजेशन वैसा नहीं है, वो एक इमीडिएट आउटबर्स्ट की तरह है। और 1857 के बाद जो आएगा उसमें मोबिलाइजेशन है वो ज्यादा सिस्टमेटिक है। जैसे सबसे पहले आपको इंडिगो मूवमेंट ही हो जाए, जो पहला मॉडर्न पेजेंट मूवमेंट माना जाता है। फिर उसके बाद आप जाओगे दक्कन के दंगे, ये दो को तो लिखना ही है। उसके अलावा एक दो और लिखना चाहो, जैसे गोविंद बलवंत फड़के का रमोजी अपराइजिंग है महाराष्ट्र में, वैसे तो मुफला भी है, लेकिन आप अगर लिखना चाहो तो दिरांग असम में, दिरांग में और कामरूप में एक पेजेंट मूवमेंट है। तो ये सब जो कुछ एक मूवमेंट है तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ पेजेंट्स हुआ है और लार्जर इश्यू पर हुआ है। ये मोबिलाइजेशन ये मूवमेंट है, ये रिवोल्ट नहीं। 1857 से पहले जो पेजेंट मूवमेंट होता था रिवोल्ट था। भारतीय जनमानस की जागृत राजनीतिक चेतना था, अंग्रेजों की असम्मानजनक कायरतापूर्ण अपमान्य असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। अवेकन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियन मासेस बाउंड विद डिजॉनेबल एंड कवार्डली इंसल्ट ऑफ द ब्रिटिश लेड टू द मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन। इस नॉन कोऑपरेशन का जो मेजर पॉइंट है, जो 1920 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे दो पहलू दिया है, जनमानस की जागृत राजनीतिक चेतना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने लोगों में कैसे राजनीतिक जागृत की और अंग्रेजों के असम्मानजनक कायरतापूर्ण अपमान में, तो उसमें दो चीजें, एक तो आपको रोलेट एक्ट आ जाता है और दूसरा जलियांवाला बाग मैसेकर करा जाता है। तो उसको रेफरेंस देखिए कैसे नॉन कोऑपरेशन का बेस तैयार हुआ, उसका हिंट करना। तुम जो क्वेश्चन देखते हो तो इमीडिएट दिमाग में आता है, ये आता है, बस यूपीएससी में यही चाहिए। हर चीज की आलोचना नहीं की जाती है, वो ऊपर क्या करते हैं, समालोचना तो परीक्षण की जिद देते हैं, नहीं वो समालोचना तो परीक्षण की जिद देते हैं। 5 जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के, इसमें हो सकता है 3 में समालोचना तो परीक्षण हो सकता है और 2 में नहीं हो, क्योंकि एक ही साथ दे डालते हैं ना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग नहीं देते हैं। अब ब्रिटिश का कायरतापूर्ण व्यवहार है तो उसका समालोचना तो कहीं नहीं, नहीं ब्रिटिश ने कहीं कहीं वीरतापूर्ण व्यवहार भी दिखाया। और दूसरा है भारत में राजनीतिक जागृति, नहीं राजनीतिक जागृति कोई खास नहीं आई थी, हल्की फुल्की आई थी, इसकी गुंजाइश तो है ना। जब गांधी जी ने सविनय आंदोलन की शुरुआत की तब उन्हें बेसब्री से एक प्रभावी सूत्र की तलाश थी। व्हेन गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसऑर्डेंस मूवमेंट ही वॉज डेस्परेटली इन सर्च ऑफ एन इफेक्टिव फॉर्मूला।
एक मिनट में आना चाहिए। फॉर्मूला क्या, इफेक्टिव क्या? नमक। नमक वह ब्रिज था जिसमें बुद्धिजीवी को भी जोड़ सकते थे। बुद्धिजीवी के लिए जो नमक था वो भावनात्मक मुद्दा था कि भाई जो सरकार हमें नमक का अधिकार नहीं दे सकती वो सरकार हमारी हो ही नहीं सकती। तो नमक का एक मुद्दा जो पहला मुद्दा होगा वो होगा व्हाट, दैट इज बुद्धिजीवियों को आकर्षित करेगा। और नमक का मुद्दा गरीब किसानों के लिए आर्थिक मुद्दा है। और इन दोनों के पहले तो इनको लेकर नमक के मुद्दा को, इसके साथ तुमको नो टैक्स मूवमेंट और बाकी जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर फार्मूला अपना, एक ऐसा फार्मूला जो किसानों को भी जोड़ सके, पूंजीपतियों को भी जोड़ सके, जमींदारों को भी जोड़ सके और श्रमिकों को भी जोड़ सके और सभी वर्गों को इस आंदोलन से जोड़ा। जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा, सत्ता हस्तांतरण के समय अंग्रेजों द्वारा अपनी जिम्मेदारी का त्याग करना यदि संवेदनहीन था तो जिस गति से उसे संपादित किया गया था उसे वो और भी बुरा बन गया। इफ एब्डिकेशन ऑफ ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज केयरलेस, द स्पीड विथ विच इट वॉज डन मेड इट वर्स। अब इसमें क्या है, पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश जब भारत से भागा उस समय ऑलरेडी दंगे छिड़ चुके थे। जब था जब हम लोग उनको बोलते थे जाइए जाइए भारत छोड़ो, तो बोलते थे मैं कैसे छोड़ूं, ये मुसलमान भाई जब तक जाने के लिए नहीं कहेंगे क्या भाई मैं जाऊं, नहीं कहते नहीं नहीं आप नहीं जाइए। जिन्ना बोलते थे कि हमारा पार्टीशन करा के जाइए, हमारा शेयर निकाल कर जाइए। और जब उनका अपना कंडीशन खराब हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनकी इकोनॉमी धूल धूसरित हो गई, एंड पर्टिकुलरली आफ्टर INA एंड नेवल म्यूटिनी, नौ सैनिक विद्रोह, जब अपनी सेना पर से उनका भरोसा उठ गया तब उन्होंने भारत से निकलने का निर्णय लिया। उसके बाद हम लोग रोकते रहे कि थोड़ा रुक जाइए थोड़ा रुक जाइए, उसके लिए वो तैयार नहीं थे। और उसके बाद 72 दिनों में बांट के चले गया, जिस कारण से इतना वायलेंस हुआ, खून खराबा हो। इसी को थोड़ा अपने शब्दों में नमक मिर्च मिला के डालना पड़ेगा। ना वो तो प्रमोद कपूर तो एक पर्सपेक्टिव देता है कि भाई ने जो उस कारण से छोड़ना, हाँ मिर्च मसाला तो उसमें तो तुम माहिर हो, मिर्च मसाला देने में तो तुम माहिर हो, छौंका तो बहुत भरपूर लगाते हो। कर्नाटक युद्धों, आंग्ल मैसूर युद्धों और आंग्ल मराठा युद्धों ने फ्रांस को दक्षिण भारत में वर्चस्व की प्रतिद्वंदता से वस्तुतः बाहर कर दिया। चर्चा कीजिए द कर्नाटिक वॉर्स, द एंग्लो मैसूर वॉर्स एंड एंग्लो वॉर्स हैड वर्चुअली एलिमिनेटेड द फ्रेंच फ्रॉम द कंटेस्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया डिस्कस। अब देखो आप चाहे जैसे भी पढ़ो, यूपीएससी आपको क्या बोलता है, एक लैक्टोमीटर जैसे दूध में डाल के चेक कर लेता है इसमें कितना पानी कितना दूध है, तो वो एक क्वेश्चन डाल के आपके मस्तिष्क में चेक कर लेता है कि आप में अंडरस्टैंडिंग कितना बढ़िया है। अब देखो कर्नाटक वॉर में तो तुम बता दोगे फ्रेंच हार गए, आंग्ल मैसूर वॉर में भी तुम बता दोगे कि हाँ टीपू सुल्तान, फाइनली आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पार्टी हार गया तो एक बहुत बड़ा काटा, फ्रेंच का एक बहुत बड़ा सपोर्टर चला गया। लेकिन एंग्ल मराठा युद्ध में दक्षिण भारत में वर्चस्व की प्रतिद्वंदता बस तो बाहर कर दिया, तो एंग्लो मराठा वॉर से कैसे फ्रेंच को धक्का लगा? तो इसके क्या नहीं, पेशवा आ गया उनके अंडर में तो उसे फ्रेंच का क्या हुआ, सहायक संधि से क्या हुआ, क्या राइट, ये सही पकड़ लिया। एक्चुअली पहले महाजी सिंधिया के आर्मी में भी मेन कमांडर फ्रेंच होते थे और मराठा को फ्रेंच मराठा आर्मी को प्रशिक्षित करती थी। जब 1803 में जब सिंधिया और भोसले ने जब ट्रीटी की ब्रिटिश के साथ पराजित होने के बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, तो उनको एक सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि करनी पड़ेगी, किसी विदेशी को हम सेवा में नहीं रखेंगे ब्रिटिश के पूर्व अनुमति के बिना। तो फ्रेंच का वो भी स्कोप जाता रहा मराठों से जो उनकी प्रॉक्सिमिटी थी। तो मतलब यही है, इसको लिखना है कम वर्ड्स में। तो
अब तुम कारण अगर बताना शुरू करोगे कर्नाटिक वॉर और मैसूर के वॉर का, वही तुमको कम से कम टाइम में इसको लिखना पड़ेगा। भारतीय परिषद विधेयक 1861 को प्रस्तुत करते हुए अंग्रेजों का मत था कि भारत के लिए एकमात्र उपयुक्त सरकार घर से नियंत्रित तानाशाही थी। टिप्पणी कीजिए, वाइल इंट्रोड्यूसिंग द इंडियन कॉन्सिस बिल्स ऑफ 1861, द ब्रिटिश थॉट दैट द ओनली गवर्नमेंट सुटेबल फॉर इंडिया इज अ डिस्पोटिज्म कंट्रोल फ्रॉम होम कमेंट। ये क्या चाहता है, एक मिनट में दिमाग में फ्लैश करे, क्या चाहता है? फ्लैश किया? 1858 की क्वीन विक्टोरिया की घोषणा, 1857 का महाविद्रोह, पहले बाहर से तानाशाही डाली, महाविस्फोट हो गया, ब्रिटिश का अस्तित्व का खतरा हो गया, तो ब्रिटिश ने टेक ओवर 1858 में किया। तो 1861 का जो अधिनियम है वो मरहम लगाने के, कि भारत में पकड़ भी मजबूत हो और भारतीयों में असंतोष भी ना हो, अंदर से तानाशाही। तो इसलिए तुम देखते हो कि पावर को यहां डिसेंट्रलाइज करता है, 1861 में पावर को डिसेंट्रलाइज करता है, क्योंकि 1833 के चार्टर में जो मद्रास और बॉम्बे से जो लॉ मेकिंग का पावर ले लिया गया था उसको वापस कर देते हैं 1861। और 1861 में एक पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू करता है वायसराय के अधीन, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, और 1861 के अंतर्गत में तुम देखते हो कि जो अधिनियम है उस अधिनियम में वो जो ऊपर से नीचे तक जो सिस्टम बनाता है, जैसे गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो उसकी एक पूरी हायरार्की बनाता है और पहली बार भारतीयों को भी प्रशासन में भागीदारी देने की सोचता है, जैसे एक स्टेट्यूटरी सिविल सेवा का सृजन करता है, क्योंकि भारतीयों को भी जब तक हम कोऑप्ट नहीं करेंगे तो हम भारतीयों को कोऑप्ट करके और तब एक भारत में ब्रिटिश शासन की उनको मजबूती प्रदान करेंगे। मैंने स्ट्रेटेजी उसने चेंज कर दी कि अब तक जहर से मारा है, गुड़ से मारूंगा, मिठास से। नील विद्रोह के पीछे मूल प्रश्न या संघर्ष, इसमें रैयतों की कीमत प्रदान किए बिना नील के पौधों को उगाने के लिए विवश करना था, विश्लेषण कीजिए। द रूट ऑफ द होल क्वेश्चन बिहाइंड द इंडिगो रिवोल्ट इज द स्ट्रगल टू मेक द रैयस ग्रो इंडिगो प्लांट्स विदाउट पेइंग देम द प्राइस ऑफ एनालाइज। ये तो बहुत कॉमन चीज है, इस पर हम समय जाया नहीं करेंगे। क्या आप सहमत है कि परंपरागत भारतीय कारीगरों के उत्पादन में गिरावट एक दुखद परंतु और संभावित तथ्य विवेचना कीजिए। You agree that the decline of traditional Indian artisan production was a fact, sad but inevitable? Discuss. अब इसमें डिस्कस करके उसने एक पंगा क्रिएट कर दिया। अब इसमें मॉरिस डिमोरिस, इसमें अब डिबेट हल्का सा दिखाना पड़ेगा। दादा भाई नरोजी आरसी दत्त कहते हैं डिक्लाइन, लेकिन कैसे उसको बचाता है ओल्ड कैम्ब्रिज वाले और न्यू कैम्ब्रिज वाले, हल्का सा इसमें उस पर्सपेक्टिव को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने डिस्कस दे दिया। वर्ड के नुआंसेस को समझना है, डायरेक्टरी क्या है। अगर एक्सप्लेन देता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन डिस्कस दिया तो डिबेट जो मॉरिस डिमोरिस का है या के एन सिंह का है, विपिन चंद्रा भी इसमें है, आरसी और ये दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त तो पहले ही थे, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है, लेकिन हाँ उसको इस तरह से मैनेज करना है। भारत में आदिवासी और कृषक विद्रोहों का ऐतिहासिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने की एक सशक्त और महत्वपूर्ण परंपरा स्थापित की विवेचना कीजिए। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइबल एंड पेजेंट अपराइजिंग इन इंडिया लाइज इन दैट दे एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग एंड वैल्युएबल ट्रेडिशंस ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल इन डिस्कस। ये देखो शेखर बंदोपाध्याय भी डील करते हैं, अगर तुम देखोगे कि जिस समय भारत के मिडिल क्लास ब्रिटिश के साथ सहयोग कर रहे थे और अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में उनका गुणगान कर रहे थे, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला जो विद्रोह है और पहला प्रतिरोध ये तथाकथित असभ्य लोगों के द्वारा, जनजातीय लोगों के द्वारा और फिर कृषक लोगों के द्वारा शुरू किया गया। जिस समय दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश राज की तारीफ, मतलब ब्रिटिश राज मतलब कहीं ना कहीं भारत के शासन के लिए दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश राज को की तारीफ की, उस समय बिरसा मुंडा और मुंडा लोग जो थे कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। थोड़ा सा उसी में इसको मसालेदार बनाना है, हल्का सा संथाल मुंडा ऐसे विद्रोह के बारे में। और दो टर्म दिया है इन्होंने, कृषक भी है तो कृषक में भी आपको देना पड़ेगा, या तो बंगाल का फराजी दे सकते हो, फिर आप इंडिगो रिवोल्ट दे सकते हो। राजनीतिक प्रचार तथा राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माण और प्रसार, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हैं तो प्रेस एक प्रमुख माध्यम बना। टिप्पणी कीजिए,
to accomplish the aims of education, political propaganda and formation as well as propagation of nationalist ideology, the press became the chief instrument command. इसमें तो खैर प्रेस का जो महत्व है उन्हें नॉर्मली आपको उसमें देना पड़ेगा, एक स्ट्रेट क्वेश्चन है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सर्वस्वीकृत दृष्टिकोण केवल एक शुद्ध दार्शनिक चिंतन नहीं था, उसने तात्कालिक राजनीतिक और सामाजिक नजरियों को अत्यधिक प्रभावित किया। परीक्षण कीजिए, द यूनिवर्सलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स वॉज नॉट अ प्योरली फिलोसॉफिकल कंसर्न, इट स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस द पोलिटिकल एंड सोशल आउटलुक ऑफ द टाइम। तो कैसी एक सोशल सर्जरी थी जिसने आगे चलकर एक आधुनिक भारत के निर्माण को संभव बनाया, राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। तो बेसिकली इसमें आपको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का इंपैक्ट, नेचर और इंपैक्ट पर लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मंतव्य कांग्रेस से अलग होना नहीं था, अपितु इसका उद्देश्य कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन को समाजवादी दिशा प्रदान करना था। विश्लेषण कीजिए, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एजेंडा वॉज नॉट टू कट ऑफ फ्रॉम द कांग्रेस बट इंटेंडेड टू गिव द कांग्रेस एंड द नेशनल मूवमेंट अ सोशलिस्ट डायरेक्शन एनालाइज। ये तो कांग्रेस सीएसपी का जो रोल है, जो कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस को विचारधारा और संगठन के स्तर पर समाजवाद की दिशा में मोड़ना, उसमें कुछ नेताओं का योगदान है, उसे कांग्रेस की राजनीति को किस तरह से इन्हें टर्म है कि इसका उद्देश्य कौन सा ट्रेंड को समाजवादी दिशा प्रदान करना था, तो उसमें विश्लेषण कीजिए। तो इसने कोशिश की, हालांकि ये समाजवादी रूपांतरण नहीं कर पाया, कांग्रेस की नीति को जरूर प्रभावित किया, और उसमें आपको कराची कांग्रेस है या फैजपुर सेशन है, तो जहाँ जहाँ समाजवादियों का प्रभाव है उस प्रभाव को यहाँ पर दिखाना है। गुटों में विभक्त हैदराबाद का दलित नेतृत्व किस प्रकार 1848 से 1953 के मध्य गहन पुनर्गठन के दौर से गुजरा, हाउ डिड द फैक्शनलाइज दलित लीडरशिप इन हैदराबाद अंडर गो अ पीरियड ऑफ इंटेंस रिओर्गनाइजेशन बिटवीन 1948-1953। ये पूरी पेपर में यही क्वेश्चन एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में, सारे क्वेश्चन तुम्हारी पहुँच के अंदर यही एक क्वेश्चन है जो रियल में चैलेंज है। और ये माइक्रो स्टडी जो हैदराबाद का दे रहा है, अगर महाराष्ट्र का देता तो चलो भीमराव अंबेडकर और महार्ष भी लोग पकड़ लेता, ये हैदराबाद का दे रहा है, ये परीक्षक जानबूझ के टीच करने के लिए दे रहा है, इसको छोड़ दो, ऐसे एक आध क्वेश्चन को श्रद्धांजलि अर्पित कर देनी चाहिए। पूरा पेपर में 8 में 5 लिखना है तो ऐसे एक क्वेश्चन को श्रद्धांजलि अर्पित करने में फायदा है। वर्ल्ड हिस्ट्री, अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध अंत तो गत 1783 में समाप्त हुआ जब ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकृति प्रदान की। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइनली एंडेड इन 1783 व्हेन ब्रिटेन एक्नॉलेज द इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें मुझे तो कुछ करना नहीं क्या? द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइनली एंडेड इन 1783 व्हेन ब्रिटेन एक्नॉलेज द इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज है, तुम अगर बहुत दिली इच्छा होगी थोड़ा छौंका मारते ही हैं तो कहोगे कि भले ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो समाप्त हो गया था, लेकिन अभी अभी अमेरिका के सामने चुनौती थी कि इसके बाद आगे कहाँ, जिसको तय फिलाडेल्फिया कांग्रेस ने 1789 में किया। क्योंकि तुम्हारे मन में बेचैनी होगी, क्रिटिकली एनालाइज है और कुछ छौंका नहीं लगा रहा हूं क्या, इसमें छौंका लगा दो। दूसरा, चार्टिस्ट आंदोलन ने, ये देखो ये कितना, ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया। चार्टिस्ट आंदोलन ने न केवल मध्य वर्ग की कुछ मांगों को पूरा किया अपितु इसके प्रभावों को श्रमिक वर्ग उपनिवेशों में भी महसूस किया गया। द चार्टिस्ट मूवमेंट नॉट ओनली फुलफिल सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द मिडिल क्लास बट इट्स रेमिफिकेशन वेयर फेल्ड एमोंग द वर्किंग क्लास एंड द कॉलोनीज एज वेल। अब देखो इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है। चार्टिस्ट मूवमेंट ने न केवल मध्य वर्ग की कुछ मांगों को पूरा किया, तुम छह, जब चार्टिस्ट मूवमेंट के प्रपोजल को देखोगे इसमें छह मांगे उसने रखी है, तो उसमें श्रमिक वर्ग का तो चलो मताधिकार का विस्तार है कि सर्वात्रिक पुरुष मताधिकार मतलब यूनिवर्सल मेल सफरेज दो, इस श्रमिक वर्ग के पक्ष में है क्योंकि मध्य वर्ग को लगभग मताधिकार 1832 के संसदीय सुधार अधिनियम से मिल चुका है, लेकिन बाकी तुम जितना मांग देखोगे वो तो मध्य वर्ग के पक्ष में ही जा रहा है। कह रहा है सीक्रेट बैलेट कि गुप्त मतदान होना चाहिए, कह रहा है कि पार्लियामेंटियंस जो है उसका तनख्वाह उसको मिलना चाहिए ताकि उसके लिए पॉलिटिक्स फुल टाइम जॉब हो, पार्ट टाइम जॉब है चूंकि उसको इनकम नहीं मिलता है, लाइवलीहुड का कोई साधन नहीं क्या। तीसरा वो कहता है कि प्रत्येक वर्ष चुनाव हो,
ये तो सबके हक में है, हालांकि प्रत्येक बार चुनाव वाला नहीं संभव हुआ तो उसको छोड़ दिया गया। इसी तरह तुम देखोगे तो उसके बहुत सारे डिमांड्स हैं जो मध्य वर्ग के हित में। फिर वो बोल रहा है आप इसका प्रभाव श्रमिक वर्ग उपनिवेश ऊपर निवेश, श्रमिक वर्ग का तो ही मताधिकार का विस्तार करिए, हम लोग सभी को मताधिकार दीजिए कि हमारे पास जब पावर होगा, राजनीतिक शक्ति होगी, तभी हम अपने आर्थिक अधिकारों को मनवा सकेंगे। ये तो उसका है ही। और उपनिवेशों पर भी महसूस किया गया, उपनिवेशों पर कैसे महसूस किया गया, तो खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। जब यहां जब श्रमिकों ने मांग उठाई, देखो ब्रिटेन जो पलासी के बैटल में आया था बाद, और जो ब्रिटेन 1947 में गया, क्या सेम ब्रिटेन था? ब्रिटेन का खुद इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ, तो वे केवल कॉलोनी के लोगों को ही नहीं सता रहे थे, अपनी महिलाओं को भी सता रहे थे और अपने मजदूरों को भी सता रहे थे। उनका खुद की सोसाइटी इनइगलिटेरियन थी। बताओ ना, महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया हुआ था, श्रमिकों को मताधिकार नहीं दिया हुआ था। वहां के महिलाओं और श्रमिकों ने जब मताधिकार की मांग की, तो यहां उपनिवेशों के महिलाओं और मजदूरों की भी आकांक्षा जगी। मेरी बात दोनों तक पहुंच रही? जैसे वहां पर एक सफ्रोगेट मूवमेंट चला था, सफ्रोगेट मूवमेंट महिलाओं ने चलाया था, हमको मताधिकार मिलना चाहिए। तो यहां पर डॉक्टर सरोजनी नायडू और श्रीमती एनी बेसेंट इंडिया में वही डिमांड को यहां से उठाया। तो उसका कॉलोनी के मजदूर आंदोलन पर भी इंपैक्ट पड़ना है, कॉलोनी में भी धीरे धीरे मजदूरों में चेतना आनी। अठारह से 1902 के मध्य दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद काफी हद तक पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा हीरो के खनन से प्रभावित था। द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1867 टू 1902 वाज इन्फ्लुएंस्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द कैपिटलिस्ट माइनिंग ऑफ डायमंड्स। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको मेनली यह दिखा रहा कि मैंने साउथ अफ्रीका वाले में स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जैसे पहले केप क्षेत्र में वो थे डच, ब्रिटिश ने खदेड़ दिया तो चले गए नेटाल, औरंग फ्री स्टेट और ट्रांसवाल। और वहां पर जब हीरे की खान निकल गई ट्रांसवाल में, तब ब्रिटिश का ईमान फिर बदल गया। और तब सेसिल रोड था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री केप क्षेत्र का, तो उसने इनक्रोच करना शुरू कर दिया डचों को, और फिर बोअर वॉर लड़ा 1899 से 1902 में और पूरे क्षेत्र को जीत के यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका बना दिया 1908 में। मैंने डच को कॉलोनाइज कर दिया ब्रिटिश ने, हीरे के खान को देखते हुए पहले इंटरवेन नहीं किया, लेकिन हीरे का खान निकला तो ब्रिटिश की नीयत बदल गई। तो यही पहलू है इसमें। क्या 1848 के आंदोलनों को प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों से गढ़ा गया था। द रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 वेयर शेप्ड बाय द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। इसमें केवल दो चीज तुम ध्यान करो, उदारवाद और राष्ट्रवाद। उदारवाद प्रजातंत्र की तरफ, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की तरफ। नेशनलिज्म, लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को कैसे प्रोत्साहन दे रहा है 1848 के मूवमेंट ने, उसी को लिंक करना है। और शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत यूएसए की प्रभुसत्ता की अपनी चुनौतियां भी थी। द सुप्रीमेसी ऑफ यूएसए आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर हैड इट्स चैलेंजेज एज वेल। अब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ क्या 1793 में, 91 में कोल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो कोल्ड वॉर में यूनिपोलर वर्ल्ड आया, लेकिन यूएसए की प्रभुसत्ता की अपनी चुनौतियां भी थी, क्योंकि उनकी चुनौतियां, कई चुनौतियां उनकी प्रभुसत्ता में आनी है। जैसे कोल्ड वॉर का एंड हुआ तो सोवियत रशिया का विघटन हो गया, लेकिन उसके सामने इमीडिएट चुनौती आ गई आतंकवाद के रूप में, दूसरी चुनौती आ गई चाइना का इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में। ओके, तो यूएसए से तुम देखते हो जैसे में टेररिज्म आया तो यूएसए से कंट्रोल नहीं हो पाया, तो तुरंत जो यूनिपोलर वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर हो गया। यूनिपोलर वर्ल्ड कितना टाइम रहा है, मुश्किल से वन डेकेड, उसके बाद तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। जिससे में 9/11 का इनका हमला हुआ और जब ये वॉर ऑन टेरर लड़ना शुरू किया, इनकी इकोनॉमी भी ध्वस्त हो गई, चाइना आगे बढ़ गई, उधर तो जर्मनी की इकोनॉमी रिवाइव कर गई। हाँ, ओपेक वगैरह तो उसमें था उसमें, लेकिन विशेष रूप से फिर जब ये और इराक वॉर लड़ा, उसके बाद इसकी इकोनॉमी, और इसलिए 93 में जो जैसे वो पहले एन
यहाँ पर अगर कोई रेफरेंस दे देंगे 92 में पहले फ्रांसिस फुकुयामा के द एंड ऑफ हिस्ट्री और 93 में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इन दोनों को रेफरेंस देके उसको टेररिज्म की तरफ ले जाए, बहुत बढ़िया आंसर हो जाए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ऑर नॉट? दार्शनिकों और विचारकों ने फ्रांसीसी क्रांति की नींव भले ही रखी हो परंतु यह सामाजिक और आर्थिक कारणों से उपजी थी व्याख्या की। द फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स मे हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बट इट वॉज प्रेसिपिटेटेड बाई सोशल एंड इकोनॉमिक रीजंस। एक्सप्लेन है तो देना पड़ेगा सोशल और इकोनॉमिक में ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्टोरियन का नाम कोट कर सकते हो दोनों। आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स में हिस्टोरियन का नाम फ्रांसिस फ्रैंकोइस फुरेट, और इकोनॉमिक और इकोनॉमिक और सोशल में कौन? डी टॉक विली उसमें उतना नहीं हो, तुम लोग को मैंने इकोनॉमिक वाले में बताया होगा, याद करो। हाँ डी टॉक विली, अभी इम्पैक्ट नहीं है ना, वो तो जैकोबिन टेरर नहीं, ये है तो डी टॉक विले का और एक और सीजे डेविस का, सीजे डेविस और डी टॉक विले। हाँ बौद्धिक शून्य घटित नहीं हो सकती। मार्क्सियन सोशलिज्म क्लेम्स इटसेल्फ टू बी अ साइंटिफिक सोशलिस्ट थियरी कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड डिस्कस। हाँ तो जो मार्क्सिज्म का है, साइंटिफिक सोशलिज्म जो मार्क्सिज्म का है क्यों है, तो उसका जो रेवोल्यूशन का जो, जैसे देखो तुम लोगों को मैंने बताया हुआ था बेसिकली कि जिस समय कार्ल मार्क्स, तीन चार थिंकर्स है, एक थिंकर्स है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है कार्ल मार्क्स और तीसरा है सिगमंड फ्राइड, वो सब एक ही सदी के हैं, सिगमंड फ्राइड थोड़ा बाद का है। इन तीनों की विशेषता यह कि कार्ल मार्क्स ने इस सृष्टि के, इस पृथ्वी के निर्माण को और नेचर के एवोल्यूशन को, अर्थ के एवोल्यूशन को और क्रिएचर्स के एवोल्यूशन को साइंटिफिक थियरी से एक्सप्लेन किया। सिगमंड फ्राइड ने मानव मस्तिष्क को साइंटिफिक थियरी से एक्सप्लेन किया और कार्ल मार्क्स ने सोशल रिलेशंस को साइंटिफिक थियरी से एक्सप्लेन किया कि कैसे वर्ग संघर्ष होता है, उसमें कैसे क्लास स्ट्रगल होता है, कैसे डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म है, क्लास स्ट्रगल है और क्लास स्ट्रगल से कैसे बदलाव आता है और कैसे इसका लॉजिकल कल्मिनेशन वर्कर्स के रूल में होगा, यही यहां पर देना है। ज्ञानोदय मैक्स मुलर, नहीं किधर से आवाज आई, किधर से? हाँ किसका, किससे? मैक्स मुलर को कहाँ स्पेस दोगे? मैक्स मुलर के लिए जगह नहीं है यहाँ पर, साइंटिफिक सोशलिज्म है तो मैक्स मुलर को कहाँ रखेंगे हम लोग? मैक्स मुलर इस तरह का कोई साइंटिफिक थियरी नहीं दी है ना, तो बहुत पहले का थिंकर है। मैक्स मुलर तो बेसिकली ओरिएंटलिस्ट है, ये 19th सेंचुरी के थिंकर्स की बात बता रहा हूँ। ज्ञानोदय मात्र वैज्ञानिक क्रांति तक सीमित नहीं था अपितु मानवतावाद और प्रगति के विचार भी उसके अभिन्न घटक थे। परीक्षण कीजिए, इनलाइटेनमेंट वॉज नॉट कन्फाइंड टू साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एलोन बट ह्यूमनिज्म एंड आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस टू वेयर इट्स इनसेपरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे मैंने इनलाइटेनमेंट की जो पांच विशेषताएं, पांच चीजों पर बल देता है, बस यही, बस उसी को ऑर्गेनाइज करके लिखना है। हाँ, तर्कवाद है, मानववाद है ना, क्या कहते हैं ऑप्टिमिज्म का आशावाद की जैसी है, मानता है कि जीवन की सभी समस्याओं का हल इससे हो सकता है, मानव सभ्यता अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा, यही पहलू यहाँ डालना है। मध्यवर्ग की विश्व दृष्टि पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव एडम स्मिथ, थॉमस माल्थस और जेरेमी बेंथम के विचारों में प्रतिबिंबित होता है। टिप्पणी कीजिए, द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन द मिडिल क्लास वर्ल्ड व्यू इज रिफ्लेक्टेड इन द व्यूज ऑफ एडम स्मिथ, थॉमस माल्थस एंड जेरेमी बेंथम। देखो एक मिनट, अब यहां पर मैं तुमको समझाता हूं। अगर क्वेश्चन देखने के बाद एक मिनट में फ्लैश नहीं किया तो फिर फ्लैश नहीं करेगा। पीटी का क्वेश्चन 5 सेकंड में फ्लैश करना चाहिए और मेंस का क्वेश्चन 1 मिनट में फ्लैश कर जाना चाहिए, तब हमारी पढ़ाई पूरी मानी जाएगी।
देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि वेस्टर्न इकोनॉमी काफी मजबूत हुई और विशेषकर ब्रिटेन को लो, इट वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन। तो जिस समय तुम्हारी इकोनॉमी मजबूत होगी तो तुम फ्री ट्रेड चाहोगे, तुम फ्री ट्रेड चाहोगे। जैसे दो टर्म होता है मर्केंटलिज्म एंड फ्री ट्रेड, समझते हो? और जब तुम्हारी इकोनॉमी कमजोर होगी तो मर्केंटलिज्म की बात करोगे। जैसे अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को 150 वर्षों तक मजबूत बनाया मर्केंटलिस्ट पॉलिसी से, और जब उसकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई तो हो गया फ्री ट्रेड का। अभी उसको चाइना से थ्रेट हुआ है तो फिर मर्केंटलिज्म की तरफ लौटा है अमेरिका फर्स्ट। आलगेनिंग दिस पॉइंट, तो मिडिल क्लास का यही टेंडेंसी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो मिडिल क्लास की स्थिति मजबूत हुई, उसकी इकोनॉमी मजबूत हुई, तो उसने इकोनॉमी को खोलने की बात की कि देयर शुड बी द फ्री ट्रेड। तो इकोनॉमी को खोलने की बात की कि देयर शुड बी द फ्री ट्रेड, दैट इज द गुड थिंग, कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। लेकिन उसकी उसमें तुम देखोगे कि यह बात एडम स्मिथ बोलता है, फ्री ट्रेड, फ्री इकोनॉमी, लेसेज फेयर, जो ये जो तुम देखते हो माल्थस और माल्थस पॉपुलेशन थियरी देता है। क्यों? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटेन में बहुत ज्यादा होने लगा। लंदन, मैनचेस्टर, ग्लासगो और बर्मिंगहम, ये जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे, उसमें लोगों को बड़ा अनहेल्दी कंडीशन में काम करना पड़ता था। स्मॉग से मजदूरों की बहुत ज्यादा डेथ होता था, मजदूरों का 70 ईयर्स एज एक्सपेक्टेंसी हो गई थी। तो अब मिडिल क्लास पर चार्ज आ रहा था कि भाई आपका जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी है, जो आपके आर्थिक शोषण की नीतियों से मजदूरों का काफी हरास हो रहा है, उनका डेथ रेट बढ़ रहा है, उनका जीवन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर काफी खराब हो रहा है, तो माल्थस ने बचाव किया, मैया मोही मैं नहीं माखन खाए, मेरे कारण मजदूरों को नहीं हो रहा है, बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। और उसने एक पॉपुलेशन थियरी दी, माल्थस ने पॉपुलेशन थियरी दी, वो पॉपुलेशन थियरी यह थी कि अगर जैसे एक तरफ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका अरिथमेटिक विस्तार हो रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन है, और जो पॉपुलेशन है उसका जियोमेट्रिक विस्तार हो रहा है, तो पॉपुलेशन अगर हमारे रिसोर्सेस से ज्यादा हो जाता है तो नेचर जो है वो फिर एडजस्ट करती है, और जो अतिरिक्त पॉपुलेशन है उसको निगल जाती है बीमारी के माध्यम से, महामारी के माध्यम से, इस तरह के माध्यमों का सहारा लेकर वो निगल जाती है, ताकि फिर प्रकृति एडजस्ट करती है। तो उसी में ये एडजस्ट हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि बच्चे इन्होंने ज्यादा पैदा किया हुआ है। डेविड रिकार्डो क्या कहता है पता है? डेविड रिकार्डो ने एक थियरी दी, आयरन थियरी ऑफ वेजेज। पहले डेविड रिकार्डो सुनो ना, डेविड रिकार्डो ने, रिकार्डो है ना थॉमस मार्क्स, अच्छा रिकार्डो नहीं, ओके, जेरेमी बेंथम का सिद्धांत क्या है? जेरेमी बेंथम भी बन गया मुक्त व्यापार का बहुत पृष्ठपोषक। इसने कहा उपनिवेशों को फ्री कर दीजिए, उपनिवेश हरास करेगा। ये फ्रांस की सरकार को जेरेमी बेंथम ने एक अति दिया, और जेरेमी बेंथम का एक आप याद होगा एक थियरी है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो वो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की थियरी क्या है कि जैसे इसका कहना है जेरेमी बेंथम का, आर यू मेंटली अलर्ट? बेंथम की थियरी यह है कि जैसे देखिए उस समय मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था तो समाजवाद जैसी चीज आ रहा था, तो समाजवाद चैलेंज कर रहा था कैपिटलिस्ट क्लास को, और वो भविष्य में कैपिटलिज्म के लिए खतरा हो सकता था। तो जेरेमी बेंथम ने पूंजीवाद को एक मानवीय चेहरा देने का प्रयास किया और समाजवाद का शब्द चुरा लिया, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, कि सरकार और किसी संस्था का उद्देश्य होना चाहिए अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उसने जानबूझकर यह शब्द चुरा लिया समाजवाद का, ताकि पूंजीवाद को एक मानवीय चेहरा मिले। जैसे मान लीजिए अगर आपके भाई ने सोसाइटी में कोई क्राइम किया है, गलती की है, और पूरे समाज के लोग उसको बांधकर पीटने वाले हैं और आपको सूचना मिल जाती है,
एक दिन आप आगे बढ़ते हो, उसको हाथ पकड़ के खींच के सड़क पर खड़े करते हो कि नहीं, जब तुम अगर समाज का शत्रु है तो मेरा भी शत्रु है, सबसे पहले मैं तुम्हें दंड दूंगा। उसको चार तमाचे आप लगाते हैं, पूरे बड़े बुजुर्ग समाज के आ रहे हैं, जाने दो, बच्चे हैं, छोड़ दो, समझदारी आ जाएगी। और अचानक उसको समाज की सिंपैथी फिर मिल जाती है और तुम उस समय समाज की भलाई कर रहे हो या भाई की भलाई कर रहे हो। तो वो जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख बोल रहा है वो कैपिटलिज्म को बचा रहा है। मेरी बात दोनों तक पहुंच पा रहे हैं? थिंकिंग क्रिएचर होने का कितना फायदा होता है देखते हो, प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूं। ये पुस्तक में पढ़कर कौन कर सकता है? पुस्तक में कोई कहां लिखा हुआ है, कोई दूसरी जगह लिखा हुआ है, वो तो लाना पड़ता है, एक जगह थोड़ा होता है। पुस्तक से शुरू करो लेकिन पुस्तक से ऊपर उठ जाओ। अगर अच्छा करना चाहते हो किसी भी एग्जाम में तो बुकिश नॉलेज से ऊपर उठो। इसलिए सभी लोग थिंकिंग बौद्धिक जुगाली का प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, एटलीस्ट आश्वासन दो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हो। अब वर्षाई की संधि ने क्या मध्य वर्ग, हाँ कौन सा था, हाँ 1828-1870 में रोम के कब्जे तक इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों की विवेचना की। इतना स्ट्रेट है क्या बताऊं। काउंट काबुर गैरिवाल्डी और विक्टर इमैनुअल को देखो, आगे बढ़ जाओ, इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं। नेक्स्ट, वर्षाई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज समाहित थे, परीक्षण कीजिए डायरेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा हिस्टोग्राफी का छौंका मार दो, किसका मारोगे? एक जॉन मेनार्ड केन्स का तो ला दोगे, उसमें तुम्हारे पास है। सबसे पहले ईएच का, इसको 20 इयर्स का पीस कहा, युद्ध विराम कहा, 20 वर्षों का युद्ध विराम। और फिर एरिक हॉफस्वर्म को भी ले आओ, 31 वर्षों का युद्ध। लेन पुल को क्या करो, कहां लाओगे उसको, कहां रखोगे, क्या क्या है लेन पुल का? नहीं है, अब होगा, आई डोंट नो, जो सोर्स बता रहे हो बहुत रिलायबल हमको नहीं लग रहा। जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता थी कि इसकी उपलब्धियों और कमियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो मैंने क्लास में स्टेट ही करवाया, उपलब्धियां क्या है। काल दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश विरोधी आंदोलन की शुरुआत के ऐतिहासिक कारण थे सांस्कृतिक अंतर, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार तथा साम्यवादी विचारों का उद्भव की विवेचना कीजिए। द हिस्टोरिकल कॉजेज फॉर द राइज ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया वेर कल्चरल डिफरेंसेस, स्पीड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड द इमर्जेंस ऑफ कॉम्युनिस्ट आइडियाज डिस्कस। तुम कम से कम इधर देखो तो सही। हिस्टोरिकल कॉजेज फॉर द राइज ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया वेर कल्चरल डिफरेंसेस स्पीड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इमर्जेंस ऑफ कम्युनिस्ट आइडियाज। देखो दक्षिण, जैसे यहां पर मैंने डीकोलोनाइजेशन कराया, तो उपनिवेश मुक्ति वाला जो एरिया होता है ना तो उसमें रीजन वाइज हम लोग देखते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, ये तीन शब्द दिया है। शुरुआत ऐतिहासिक कारण थे, सांस्कृतिक अंतर यानी कल्चरल डिफरेंसेस, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। जैसे वेस्टर्न एजुकेशन फैला, वेस्टर्न एजुकेशन फैलने से क्या हुआ कि राष्ट्रवाद का कॉन्शसनेस आया और साम्यवादी विचारों का उद्भव। जैसे हो ची मिन चाइना का इम्पैक्ट, तो उसमें तुम देखते हो कि साउथ ईस्ट एशिया में जैसे मलाया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, वियतनाम में तो कम्युनिज्म आ ही गया, बाकी जगहों पर भी कम्युनिस्ट पार्टी सक्रिय हो गई। तो वहाँ पर एक लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था, इसमें एक पहलू को क्यों छोड़ दिया आई डोंट नो। पहलू को होना चाहिए था जापानीज ऑक्यूपेशन, जापान का बहुत बड़ा रोल है साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन पता नहीं इस क्वेश्चन में उसने जापान को क्यों छोड़ा, जापान को ले लेना चाहिए था इसमें, तब इस क्वेश्चन और भी मजबूत हो जाता उसका। इन जापान को छोड़ दिया, बाकी चीजों को लेना होगा। अरब राष्ट्रवाद मात्र एक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं था, अपितु एक उपनिवेश विरोधी संघर्ष भी था। टिप्पणी कीजिए, अरब नेशनलिज्म वॉज नॉट ओनली ए कल्चरल मूवमेंट बट ऑल्सो एन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल कमेंट। देखो जैसे अरब में इस्लाम का उद्भव हुआ, लेकिन अरब नेशनलिज्म और इस्लामिक
अरब नेशनलिज्म एंड इस्लामिज्म, इन दोनों में मतभेद है, दोनों में डिस्टेंस है। क्यों? इस्लामिज्म ग्लोबल के संदर्भ में सोचता है, अवाम मिल्लत, और जो अरब नेशनलिज्म है वो अरब पहचान के बारे में सोचता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अरब नेशनलिज्म को जो पहले सपोर्ट मिला था वो केवल अरब वालों से नहीं मिला था, वो क्रिश्चियन थिंकर से ही मिला था, यहूदियों से ही मिला था जो अरब क्षेत्र में मिस्र में रहते थे, बाकी क्षेत्रों में रहते थे। तो डिफरेंट रेस जो रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप है उन्होंने अरब नेशनलिज्म को सपोर्ट किया था, पहले अरब पहचान की बात की थी। लेकिन जब 1920 में अरब क्षेत्र को बांट दिया गया अरब राष्ट्र का आश्वासन देके, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इराक में, सीरिया में, बाकी क्षेत्रों में हुआ और फ्रांस और ब्रिटेन के अगेंस्ट में खड़ा हुआ, और वही अरब राष्ट्रवाद बाद में तेल साम्राज्यवाद के साथ मिलकर दुनिया में अस्थिरता पैदा कर दी, है ना। तो यही तुम्हारा पेपर था क्या? पेपर तो अच्छा ही था क्या? अरे रिवाइज अगर अभी तुम लोग नहीं हो, लेकिन अगर मान लो तुम लोग 2.5-3 महीने जम के रिवाइज करते तो कैसा फील करते? कॉन्फिडेंस है ना, मतलब इस पेपर में तुमको ऐसा नहीं फील होगा कि मैं क्या करूं, ऐसा फील होगा क्या लिखूं क्या छोड़ूं। ओके, सो माय फ्रेंड्स, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव एंड बी अ थिंकिंग क्रिएचर। ओके, इस बहस को ही स्थगित करते हैं, मेरा टाइम तो शेष हो गया, लेकिन ये भी होना आवश्यक था, नहीं तो पता चला कि भाई पेपर हुआ पड़ा है उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती। नहीं तुम लोग भी कुछ अनकहा सा महसूस करते थे, अब तो क्लियर हुआ। मेरे पास अभी 45 मिनट टाइम है और मैं इसका उपयोग कर रचनात्मक उपयोग करना चाहूँगा। बोलो तैयार हो तुम लोग? नहीं छुट्टी जाते हो क्यों? कहीं पर अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं नहीं अब अभी अभी छुट्टी नहीं करेंगे, 45 मिनट काम करवाएंगे, बाद में बोलेंगे। हाँ, तुमको समझ में, तुम क्वेश्चन ने क्वेश्चन बैंक जो तुम्हारे घर में है, एक एक बाजार से भी लेके रख लो, बाजार वाला क्वेश्चन बैंक है तो रख लो तुम। अब विकास ऐसा है कि क्वेश्चन बैंक के ऊपर में कॉपी का इंस्ट्रक्शन भी दे दो, पहली बार इस पहलू पर ध्यान दिलवाया हमें, उसमें ये इंस्ट्रक्शन हो जाए कितना पेपर लिखना है, पहले दोनों पेपर को एनालाइज करके जहां से क्वेश्चन बैंक शुरू होगा सिलेबस के साथ, सिलेबस के नीचे में अब अगली बार जो क्वेश्चन बैंक बनेगा तो ध्यान रखना, ताकि मैं किसको कह रहा हूं, मुझे मैं तो तुमको याद दिलवाता हूं, तुमको याद दिलवा पाओगे? जब छप जाएगा तो हम पूछेंगे तब पता करना। कौन सा पेपर? काश मैं बना पाता यार, तुम लोगों को सबको क्वालिफाई कर देते, काश मैं बना पाता। एक तो सरकार का गाज गिरता है, कोचिंग संस्थान पर आग उगलती है, बताए कोई यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ाएगा उनको ये पेपर अगर हम लोग ना रहें तो कौन पढ़ाएगा बताओ? नहीं ऐसा नहीं है, इसमें भी तो हिस्ट्री का या तो कहो सीरियस स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का होगा, तुम ही लोग देखो ना क्वेश्चन का रेंज जो है, या तो यूनिवर्सिटी का सीरियस स्टूडेंट होगा या फिर तुम लोग होगे या तुम्हारा अग्रज होगा जिसको हमने ढंग से पढ़ाया होगा। क्योंकि हम देखो टाइम देकर तुम लोग को एक एक टॉपिक ऐसा डाइजेस्ट करवा देते हैं, तो इसलिए तुम लोग करते हो। अगर कोई मान लो हाफ हार्टेड किसी दूसरे संस्थान का ही बच्चा होगा, उसको ये पेपर समझ में आएगा? हमारे और तुम्हारे बीच एकदम ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप है, यहां पर ठग विद्या है ही नहीं। मैंने तुम लोगों को अगर दिक्कत होती है, जैसे उस बच्ची को कल दिक्कत हुई तो मैं बेचैन रहा कल दिन भर, हम क्या उपाय करें ऐसा ही, तो मैं सोच के आया कोई बात नहीं, तुमको मैप के लिए चिंता मत करो, मैप की हम गारंटी लेते हैं, तुमको हम करवा देंगे, समझ रहे हो ना। इस क्वेश्चन देख के डरी तो नहीं तुम्हारे चेहरे पर? अभी 12:12 हो रहा है, तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने पर तो मैं क्या कर पाऊंगा? भारत का सबसे बड़े एग्जामिनेशन के लिए आए हो तो कबीर ये घर राम का, खाला का घर नहीं।
कभी कभी मैं भी बड़ा थका सा महसूस करता हूँ जब बच्चों में देखता हूँ कि भाई हमें भी कभी कभी हिम्मत पस्त होती है कि पता नहीं ये घोड़ा नाला क्रॉस कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि बात यह है ना, अगर मानो तुम्हारी सफलता मिलती है तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है ना, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है जब तुम्हारा सक्सेस रेट देखते हैं। तो जब तुम्हारा सक्सेस रेट डाउन जाएगा तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें जो दर्द होता है वो हमें नहीं होता है, हमें होता है कि भाई जब इतना ढंग से पढ़ा रहे हैं फिर कोई बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है, कहाँ त्रुटि हो रही है। कल फिर जाके मैंने आत्मान्वेषण किया कि मैं आपको कैसे सिंप्लीफाई करूँगा, कल तुम लोगों से डिस्कस के बाद। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक आध लोगों को कर लगाया है, उनको रीजन वाइज बनवा देता हूँ, जो मैप है ना उसको रीजन वाइज और डिस्क्रिप्शन बढ़वा देता हूँ। कल मैंने प्लान कर लिया है, थोड़ा सा मुझे केवल इतनी ही मोहलत दो कि थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि हम तो बैच चैप्टर खोल चुके तो हमारा हो सकता थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। आज से ही उन सबको हमने एक दो, मेरा है मिस्टर आशुतोष जो आता था ना वहाँ पर जो ये लिखता है कंठ, हाँ टेस्ट सीरीज में जो बैठता है जिसे हम लिख वहाँ पर उसको बैठा के तब उससे हम क्लास में डिस्कस करते थे, उसी से हम मॉडल आंसर लिखवाते हैं। वो डबल PhD है हिस्ट्री में, लेकिन हम बोले तुम तो टेक्निकली हमसे भी ज़्यादा क्वालिफाइड हो, तो पढ़ाने का नैतिक अधिकार से मुझे नहीं है कि नहीं, क्योंकि तुम डबल PhD और मैं एक भी नहीं हूँ। तो मतलब क्योंकि मेरा स्टूडेंट है और उसको हमने अपने ढंग से ट्रेन किया हुआ है। इस बार निबंध में पूछा था ना कि स्कूली शिक्षा जो होती है तो हम विद्यालयी शिक्षा पर डिपेंड ही नहीं किए, हमने पैरेलल एजुकेशन डेवलप किया। क्योंकि विद्यालयी शिक्षा में तो बड़ा जानते ही विद्यालय और खास के विश्वविद्यालयी शिक्षा तो बड़ा, तो तुम लोगों को मैं उसी पैटर्न पर ला दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, चुटकी बजाते हुए तुम लोगों का सब्जेक्ट हो जाए, बस केवल एक जनरल स्टडीज का देख लो, उसमें थोड़ा इंटीग्रेट वगैरह कुछ करो। और जब मैं शुरू करूंगा तो मैं हेल्प कर ही दूंगा तुम लोगों को, तब तुम लोगों को थिंकिंग क्रिएटर GS भी बना दूंगा, उसका इंटीग्रेट करवा दूंगा पूरा। उसमें यही होता है कि उसमें एक ग्रुप ऑफ चाहिए ना असिस्टेंट्स, जैसे हिस्ट्री तो हमारे अपने हाथ का है तो उसको अपने तोड़ मरोड़ देते हैं, जैसे होता है घुमा देते हैं, उसमें ट्रेन करना पड़ता है। उसमें हम करेंगे इंटरलिंक कर देंगे सबका, इंटरलिंक हो जाएगा। तो देखो जानने के लिए GS में कोई ऐसा थोड़ा है तुमको प्रकांड विद्वान होना है, तुमको सारे में 5-5 पॉइंट लिखने की कैपेसिटी चाहिए, एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हो जाए, पता चला जॉब कर रहे हैं, यही कल वर्दी पहन के आएगी क्या सर मैं IPS हो गई क्या। तो सफलता और असफलता में एक स्टेप का फर्क होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क थोड़ा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्ही से पहले पूछूंगा, कल जो नॉर्थ वेस्ट में जो मैंने प्लेस का नाम बताया था, वो प्लेस का नाम हमको चाहिए, कितने लोग बताएगा हमको? क्या करें? नॉर्थ ईस्ट नहीं कर रहा हूं, नॉर्थ वेस्ट। कल जो तुम लोगों को हड़प्पा सभ्यता में जो उत्तर पश्चिम भारत में 7000 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के बीच मैंने जो स्थल लिखवाए हैं बोलन घाटी से, आरोग्य मैंने एक ही लिखवाया है, कौन कौन हमको सारा प्लेस बताएगा? तुम भी आज बैठक बाज की मंडली में शामिल हो गए, लगता है तुमने भी कोई दूसरा धंधा शुरू कर दिया, तुम्हारा हाथ नहीं उठा हुआ है, उठाए थे? हाँ बोलो प्लेस का नाम तुम्हें। फिर आज के बाद GS का रिवाज कमांडो ट्रेनिंग में नहीं कहा जाता है, कोर्ट मार्शल हो जाता है। कमांडो ट्रेनिंग में ये कहोगे कि मैं अमुक जगह फंसा हुआ था, तो GS का रिवाज, इसलिए कोई नाम मत बोलो। अब GS का कैसे रिवाज करो पता नहीं, हमको तो अपना रिवीजन चाहिए। कौन कौन बता रहा है मुझे? क्या एक तो बोलन दर्रे के पास मेहर गए, उसके बाद क्वेटा घाटी आ जाए, हो गया क्वेटा घाटी से किधर दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान आओगे, दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान मुंडी का, उसके बाद दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान से खैबर पख्तून वाला आ जाओ, खैबर पख्तून वाला से फिर पंजाब आओ, सिंध आओ,
उसके बाद बलूचिस्तान आओ और सिंध से मकरांतर तक फैलाओ। अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने प्लेसिंग भी देखी थी क्या? एक काम करो, अभी एक्यूरेट प्लेस के लिए चिंता मत करो, अभी एक काम करो कि तुम मैप सामने देख के उसको कलम से खींच कर अपने कलम से भर दो, याद हो जाएगा। भरा था तुम लोगों? देखो तो दो तीन बार भरा था, गुड, याद हो जाएगा। मैं कुछ कुछ मैप पर काम फिर करवा देता हूँ, जैसे अही छात्र में माता और शिशु पूछा है ना, तो मैं उसी को लगा दूंगा कि वो पूरा सर्च करे कि ऐसा विचित्र चीज जहां हो वो तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, क्योंकि उसे पता चल जाता कि कहां पर क्या मिला है। और इस बार खुशी भी है कि कुछ क्लू दे रहा है नर, मतलब यहां पर कुछ क्लू दे रहा है डॉक यार्ड, ये पहले नहीं देते थे। तो चलिए,